Hello, hello, hello. Hallo, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, everyone. होप आप लोग चुस्त दुरुस्त और दुरुस्ता। अलग ही जोश में है उम्मीद करता हूँ कि बीवी बच्चे सही होंगे होने वाले मेरे एकदम मजे में मैं मजे में वो मजे में अब इसमें आ गया। खुश खुश है नहीं आज खुश नहीं है बेचारा आज दो तीन मैच जीतने के बाद हार गया अरे कौन सी बैडमिंटन की तो लोड ले रहा था लाइफ में रो रहा था मतलब अरे भाई तो मतलब बहुत बढ़िया बेटा थोड़ा सा और रो ले कोई बात नहीं चलिए फटाफट दो तरह के ऑडिट्स कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ियन वेदर फाइनेंशियल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू स्टैंडर्ड हमारी पहली सीरीज कौन सी होती है दो सो सीरीज उसके बाद आखिरी कौन सी होती है एट हंड्रेड सीरीज कितने फेज होते हैं इनिशियल फेज फिर प्लानिंग फेज फिर एग्जीक्यूशन फेज फिर रिपोर्टिंग फेज फिर अदर्स कौन सा ऐसे हमने शुरू किया था फाइव हंड्रेड पहला था वट इज रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस व्हाट इज रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस दो तरह के रिकॉर्ड्स थे कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर रिकॉर्ड्स फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंडिंग ऑन नेचर डिपेंडिंग ऑन रिलायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन सोर्स फिर हम लोगों ने बात था ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव ऐसे फाइव हंड्रेड के हिसाब से क्या है टू कलेक्ट सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और उसके लिए अच्छे क्या तय करो ऑडिट प्रोसीजर्स अच्छे प्रोसीजर्स तय करो एविडेंस बढ़िया चकाचक जमा करते जाओ फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े थे हमने गुणगान किया था कौन से रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तीन तरीके से एग्जामिनेशन करो जो रिकॉर्ड मिला उसको फिर से रीजनरेट करो दैट इज री परफॉर्मेंस एक रिकॉर्ड को दस रिकॉर्ड से मैच करो रिकनसिलियेशन इंडेप्रा स्टडी करो एनालाइज करो मैच करो दैट इज एनालिसिस एंड रिव्यू मुद्दे मुद्दे की जो बातें हम लोग देखते जा रहे हैं फिर हम लोग वहां से और आगे बढ़े थे हमने बोला था ऑडिट प्रोसीजर्स क्या बोला था ऑडिट प्रोसीजर वी आर वेरी स्मार्ट वेरी इंटेलिजेंट हम गधा मजूरी नहीं करते जहां पे लोहा गर्म है वहां पे हथौड़ा मारते हैं वी गो फॉर रिस्क बेस्ड ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑडिट इसलिए पहली ऑडिट प्रोसीजर कौन सी है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क दो लेवल पे पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल कहीं पर भी गलती हो सकती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आपको पता है ये फाइनेंशियल आइटम के ये पॉइंट में गलती हो सकती है इज़ असर्शन लेवल हम दीवाने हैं असर्शन के हम नशा किसका करते हैं असर्शन का ठीक है खींचते किसको है हम लोग असर्शन को कौन कौन बोला रहे है? बहुत खींचे ठीक है असर्शन को फिर हम लोग बात कर रहे थे कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एक बार आपको पता चल जाए कहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप उस पर काम कर सकते हो हम पहले मैनेजमेंट को पूछते तू बता तेरे स्टेप्स क्या है तेरी प्रोसीजर्स क्या है उसको मैं चेक करना चाहता हूँ कंट्रोल उसके बाद बोलते हैं लेट जंप ऑन द फाइनेंशियल आइटम जाके वो इनकम एक्सपेंस ऐसे एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के कंपैरिजन किया एनालिटिकल प्रोसीजर मैदान में उतरो पूछताछ करो टेस्ट ऑफ डिटेल जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में जिस फ्लो में हम बात कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करो उसको हमेशा बेस बनाओ उसके बाद उसको इंप्रोवाइज करते जाओ उसको और बेहतर बनाते जाओ हमने वो देखा था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस फैक्ट्री देखी ऑब्जर्वेशन और आखिरी में कस्टमर से मंगवाई चीजें एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम अंदर घुसे से दो चीजों के अंदर पहले घुसे थे हम लोग इंस्पेक्शन किसके लिए इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कैन बी यूज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इट कैन बी यूज फॉर प्रोसीजर्स फिर हम आगे थे इंक्वायरी में किसमें इंक्वायरी में इंक्वायरी में, में आखिरी पॉइंट था मैनेजमेंट इंटेंशन को अगर आपको चेक करना है तो बेहतरीन तरीका है कौन सा इंक्वायरी अरे आपने क्या करना चाहिए इंक्वायरी फिर हमने बोला था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ प्रॉब्लम्स है उसके कुछ सोल्यूशन है या तो रिटेंशन बैकअप करवा लो या फिर जब वो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है तब वहाँ पे आप पहुँच जाओ आपके पास में सॉल्यूशन है सबूत हो तो कैसा हो सफिशेंट एंड अप्रोप्रिय उस पर शॉर्ट नोट देखा था सफिशंट मतलब क्वांटिटी अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी क्वालिटी मतलब दो चीज़ें रिलायबल हो और रेलेवेंट हो हमने देखा था क्या क्वालिटी इंप्रूव करने से क्या क्वालिटी इंप्रूव करने से क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं येस क्वालिटी सो गुड सो अच्छी चीज़ है कि आप मेहनत कम कर सकते हो लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि आप क्वालिटी एकदम पुअर कर दो और क्वांटिटी ज़्यादा कर दो ऐसा अलाउड नहीं है ऐसा लॉजिकल नहीं है फिर क्वांटिटी कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए उसके लिए तीन फैक्टर थे क्या शॉर्ट करता एम आर पी एम सेंड फॉर मटेरियलिटी Stand for risk of material misstatement. P स्टैंड for population. Population दो होती है homogeneous और heterogeneous. Homogeneous और heterogeneous. फिर हमने गुणगान किया था कौन सा एविडेंस रिलायबल होता है सबसे रिलायबल कौन सा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आ रहा है पहला पॉइंट क्या रिलायबिलिटी का सोर्स अगर एक्सटर्नल है इंडिपेंडेंट पार्टी है तो ज्यादा रिलायबल राइटिंग फॉर्म में है डॉक्यूमेंट्री है तो ज़्यादा रिलायबल ओरिजिनल है तो ज़्यादा रिलायबल नेचर और अगर डायरेक्टली ऑर्डर मिलाए तो ज़्यादा रिलायबल कंपनी के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं अगर क्या अच्छा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको बनाने का सिस्टम बड़ा प्यारा है प्रोसेस बड़ा प्यारा है रिलायबल है तो वो भी भरोसेमंद हो सकते हैं फिर हमने बोला था वो एविडेंस जो असर्शन लेवल रिस्क को कवर करे जो डाउट को कवर करे प्रॉब्लम को कवर करे हमारे पर्पस को कवर करे वो एविडेंस कौन सा है रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस पहला एग्जांपल इन्वेंट्री दूसरा एग्जांपल क्रेडिटर तीसरा एग्जांपल डेटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे डिजाइन करो ताकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे डिजाइन करो ताकि हम एविडेंस कौन से असर्शन लेवल पे ले वो कंट्रोल चेक करे विच इज प्रोटेक्टिंग दी असर्शन सब्सटैंडी प्रोसेस भी ऐसे तय करो कि आपको एविडेंस मिले कौन से लेवल पे असर्शन लेवल पे याद आ रहा है भाई हमेशा ध्यान रखना ऑडिट में पहले मोटा मोटी ही नॉलेज बनेगा ब्रॉडली इसका क्या मतलब है क्यों पढ़ रहे हैं क्या प्रोसेस है यही नॉलेज बनेगा जब ये मोटा मोटी नॉलेज बनेगा कॉन्सेप्ट बनेगा फिर आप अंदर उतर के स्पेसिफिक पॉइंट्स को पकड़ पाओगे और स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिख पाओगे अगर आप बहुत सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज के पीछे भागोगे तो यू विल गेट लॉस्ट आपको समझ भी नहीं आएगा आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो आप सिर्फ डर के मारे बहुत कुछ रटने की कोशिश करोगे रट लो भी लोगे आप लेकिन रटने के बाद में ज्यादा लंबे समय तक उसको रिटेन नहीं कर पाओगे और ये फ्रस्ट्रेशन ऐड करेगा लेकिन अगर आपने जड़ से इसको समझा क्यों है क्या है कैसे पॉइंट है क्यों ये मुद्दा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या इसके पीछे का लॉजिक है तो आप लैंग्वेज को पकड़ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े थे ठीक है मैनेजमेंट एक्सपर्ट दो एक्सपर्ट दो प्रकार के होते कौन से मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑल्टर एक्सपर्ट मैनेजमेंट जिसको अपॉइंट किया कि बेटा तू मुझे हेल्प कर दे अकाउंटिंग प्रोसेस में प्लीज मुझे यूजफुल लाइफ निकाल दे प्लीज मुझे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी निकाल दे प्रोविजन फॉर पेंशन निकाल दे ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट और जो अपॉइंट किया ऑडिटर ने कि तू मुझे चेकिंग करवा दे तू मुझे चेकिंग किसी पे अंधविश्वास कर सकते नहीं क्या हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे अंधविश्वास कर सकते नहीं छानबीन करनी होगी कौन सा ऐसे सिखाएगा ऐसे फाइव हंड्रेड एक्सपर्ट पे अंधविश्वास कर सकते हैं नहीं कौन सा ऐसे सिखाएगा सिक्स ट्वेंटी जो आपके कोर्स में नहीं है किसी भी और देखो क्या प्यारे स्टेप्स है अगर आप थोड़ा रिलैक्स होकर ब्रॉड माइंड से सोचो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपर्ट आएगा ठीक है आपको जिससे कंसल्टेंसी लेनी होगी आप तीन स्टेप्स लगाएंगे पहले बंदे को परखेंगे बंदा सही होना चाहिए स्टेप नंबर वन बंदा से होना चाहिए सी सी ओ सी फॉर कॉम्पिटेंस उसके क्वालिफिकेशन उसकी ट्रेनिंग उसका एक्सपीरियंस उसका मार्केट रेपुटेशन उसके पास में नॉलेज और स्किल्स है कि नहीं।, नहीं है फिर कैपेबिलिटी टाइम टीम इक्विपमेंट डिलीवर कर पाएगा कि नहीं।, नहीं कर पाएगा वो फॉर ऑब्जेक्टिविटी बींग अनबायस्ड बंदे को अनबायस्ड होना होगा न्यूट्रल होना होगा तभी जाके वो एक सही काम हमारे लिए कर पाएगा जितने रिलेशन नहीं होंगे जितने रिलेशन नहीं होंगे कनेक्शन नहीं होंगे उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा काम में दखल अंदाजी नहीं।, नहीं होगी उतना उसका ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी तो so, हमारे पहला स्टेप था सी सी ओ सी फॉर कॉम्पिटेंस सी फॉर कैपेबिलिटी ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी अगर आपको परखना है किसी का सी सी ओ तो दो तरह के डॉक्यूमेंट और तीन तरह के एक्सपीरियंस याद आ रहा है क्या हाँ। उसके क्वालिफिकेशन देख बेटा उसके रिसर्च पेपर देख उसकी किताबें देख तीन तरह के एक्सपीरियंस अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बैठ के डिस्कशन कर ले एक्सपीरियंस बना ले या फिर टॉक टू अदर्स जिनके पास में एक्सपीरियंस है उसके साथ काम करने का स्टेप नंबर टू ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट हमें भी उसके फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अबक हमको पता होना चाहिए अबक पता होना चाहिए तब जाके हम उसका कुछ काम समझ पाएंगे नहीं तो काम समझना पॉसिबल नहीं है स्टेप नंबर थ्री इवेल्युएटिंग वर्क ऑफ एक्सपर्ट ठीक है देखो कोई लोग शायद पहले कोई क्लास मिस हुआ होगा आधा अधूरा समझा तो भी चलता है बिंदास ठीक है जितना आपको समझ रहा है समझिए जब भी आप लेक्चर देखोगे ठीक है तो आपको और समझ में आएगा हर बंदे को डेटा लगता है हर एक्सपर्ट क्या लगता है डेटा बिना डेटा के कुछ हो नहीं सकता डेटा हो तो कैसा हो कंप्लीट हो एक्यूरेट हो रेलेवेंट हो फिर हर बंदे को क्या लगते हैं अजम्पन अगर आपको याद है हमने देखा था प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी कितने एंप, कितने एम्प्लॉयज हमारे साथ टिकेंगे उनकी लास्ट डॉन सैलरी क्या होगी कितनी ग्रेचुअटी देनी पड़ेगी ये सब क्या है अजम्पन मेथड लगता है कि प्रोविजन कैसे निकलेगा ये सारी चीजें वापस रेलेवेंट होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए हम ए एस फॉलो करते तो उसके हिसाब से हो वो रेलेवेंट है अगर हम इंड ए एस फॉलो करते तो उसके हिसाब से हो वो हमारे लिए रेलेवेंट हो रीजनेबल हो रियलिस्टिक होना चाहिए फिर हमने बोला जो हमारी रिपोर्ट है वो भी कैसी होनी चाहिए रेलेवेंट होनी चाहिए जो मुझे काम की जानकारी चाहिए मिलनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए प्लस माइनस फाइव परसेंट एरर चलता है यस और बाकी एविडेंस से मैच होना चाहिए मोटा मोटी याद रहा चलता है आपके एक हाथ दो पॉइंट छूटेंगे इट्स फाइन कोई वन ऑन वन परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाता हम कोशिश करते हैं वी कीप ट्राइंग कि हमारे आंसर बेहतर और बेहतर बनते जाए फिर यहां से हम आगे बढ़े थे हमने बोला था आओ तुमको दिखाता हूं स्टैंडर्ड्स की दुनिया इतनी बार ये लोग समझाएंगे कहां पे मेहनत कम करना और कहाँ पे मेहनत ज्यादा करना जैसे सफिशियंसीडेंस था तीन फैक्टर थे मेहनत कम कहां पे मेहनत ज़्यादा? ये बार बार आपको अलग अलग जगह पे सेम चीज समझाने वाले है यहां पर भी एक्सपर्ट के काम को दो घंटे में निपटाएंगे कि दो हफ्ते लगाएंगे किस तरह का मेहनत करेंगे किस तरह का एन टी एन टी सेंटर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड मैं जाके देखूंगा कि पूछूंगा कि रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करूंगा कि रीपरफॉर्मेंस करूंगा कि रिकॉम्पिटेशन करेगा दैट इज नेचर मंथली जाऊंगा कि क्वार्टरली जाऊंगा कि ईयरली जाऊंगा दैट इज टाइमिंग मैं पचास में खुश हो जाऊंगा कि सौ डेढ़ सौ दो सौ में जो आइटम लाएंगे दैट इज एक्सटैंड एन टी ई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स तो फिर हमने बोला यार यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं सारे पॉइंट एक साथ पढ़ के कोई मतलब नहीं है सी इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु कैचेस दिस कि यार मज़ा आया मेरे को कभी भी मैं सारे पॉइंट एक साथ याद करने नहीं जाऊँगा हम ऑडिट के साथ साथ में थेरी मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ रहे हैं यू कैन यूज़ इट दिस इन ऑडिट मे बी अदर सब्जेक्ट और व्हाट एवर यू स्टडी हम लोगों ने बहुत इंटेलिजेंटली उसको हमने बांटा पहले हम लोगों ने बोला मैटर रिलेटेड पॉइंट कि मैटर कितना खतरनाक है फिर एक्सपर्ट रिलेटेड पॉइंट कि एक्सपर्ट से कनेक्टेड पॉइंट कौन से फिर ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट कल का ऑडियो सुना आप लोगों ने ओके okay, क्योंकि मुझे हो सकता है कम लोगों ने सुना क्योंकि सर टेस्ट का प्रेशर था तो पहले के ऑडियो सुने वो लिखा हम लोगों ने एनी पहले इसको देखते हैं फिर मैटर रिलेटेड पॉइंट्स है एन आर ए एन सेंड फॉर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी नया मैटर है पुराना पैटर है रिपीटिव मैटर है कितना कॉम्प्लेक्स है आर सेंड फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हमको मेहनत ज्यादा नेचर कॉम्प्लेक्स है मेहनत ज्यादा रिस्क ज्यादा है मेहनत ज्यादा कोई ऑल्टरनेट एविडेंस नहीं है तू ही एक सहारा है तो मेहनत ज्यादा तो भाई तेरा काम अच्छे से चेक करेंगे करेक्ट किसी के पास कोई बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते एक कोई खुश करना पड़ेगा तो मेहनत ज़्यादा फिर उसके बाद में एक्सपर्ट रिलेटेड पॉइंट ओरी हमारा एक्सपर्ट कौन है ओरी ओरी द सेलिब्रिटी ओ सेंड फॉर ऑब्जेक्टिव जो एक्सपर्ट का काम था कितना प्यारा उसका ऑब्जेक्टिव था क्या उसने सभी एरिया को कवर किया है सभी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए चेकिंग प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं जितना उसका काम अच्छा होगा का बढ़िया अगर उसका काम बेकार है तो हमारी मेहनत ज़्यादा आर स्ट एंड फॉर रिक्वायरमेंट बंदे ने कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है क्या अगर नहीं किया है तो मेहनत ज़्यादा आई फॉर इंफ्लुएंस मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट ने अगर बहुत दखल अंदाजी की है हर स्टेप पर मैनेजमेंट ने अपना दबदबा बनाए रखा कुचला है सामने वाले को उसको काम करने नहीं दिया है बराबर तो हमारी मेहनत ज़्यादा देन ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट बंदा इनका एम्प्लॉय है बाहर से आया नहीं है तो मेहनत ज्यादा सेलिब्रिटी फॉर कंट्रोल्स कंपनी ने किसी बंदे को बिठाया नहीं कि तू देख मैनेजमेंट एक्सपर्ट कब आया कितनी बड़ी टीम लेकर आया कैसे उसने काम किए उसके रिकॉर्ड्स कोई किसी ने चेक नहीं किया किसी का उस पर नजर नहीं है तो उसने काम इतना अच्छा नहीं है फिर वापस मेहनत ज्यादा ऑडिटर के पास नॉलेज नहीं है मेहनत ज्यादा इस बंदे के साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है मेहनत ज्यादा पॉइंट्स थे ग्रुपिंग मारी फिर हम लोगों ने कुछ कॉमन पॉइंट बोले एन आर एन एम आर सी एन सैन फॉर नेचर कहीं पर भी आपको फैक्टर्स पूछे और आपको याद नहीं आ रहा वी शुड फोकस ऑन नेचर नेचर ऑफ द मैटर मैटर तुमको जो लगता है वो फिर ठीक है एम सैंड फॉर मटेरियलिटी अगर मटिलिटी ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा आर सेंड फॉर रिस्क रिस्क ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा सी सेंड फॉर कंट्रोल्स कंट्रोल्स वीक है तो मेहनत ज्यादा मैं आज आपको बोल रहा हूँ ये सेंटेंस में पूरे बैच में पचास बार बोलने वाला हूँ इतने बार यह पॉइंट रिपीट होने वाले हैं पहला ऐसे है पहले ऐसे में जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बेस बनाएंगे एकदम ये रॉकेट के जैसे सभी ऐसे में लगने वाला है यू विल फाइंड ऑडिट ने आप, आपने खुश होना चाहिए ना दो नजरिए कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं बहुत बढ़िया एक बार पढ़ो दस बगह लगाओ एक बार अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए एबीसी एक बार सीख लिया फिर अपन अपने वर्ड खुद बनाएंगे अपने सेंटेंस खुद बनाएंगे और कुछ जनता रहती सर क्या वोइच वाइच अबे यार देखो ठीक है जम रहा है ना समझ रहा है ना फिर मजे ले करेक्ट फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे यहाँ से हम लोग आगे बढ़े अगर हमको किसी डॉक्यूमेंट अगर कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं हम उसको चेक करके अपने फाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ को अगर एविडेंस बनाना है किसी भी चीज़ को अगर एविडेंस बनाना है वो क्वालिटी होना चाहिए मतलब रिलायबल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए साथ में क्या होना चाहिए ए पी सी डी ए फॉर एक्यूरेट पी फॉर प्रिसाइज सी फॉर कंप्लीट डी फॉर डिटेल ए पी सी डी होना चाहिए ठीक है बार बार इसको रिवाइज करना बड़ा पड़ा आजकल गाड़ी में मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए जाते आते लेकिन कल कम आया होगा अभी माइक यूज़ करने लगा मैं नहीं मैं ड्राइव नहीं करता मैडम पीछे बैठ के जिंदगी मेरे को मेरी भी प्यारी है और सामने वालों की भी दोनों की जिंदगी प्यारी है करेक्ट ओके ड्राइविंग नहीं मैं साइकिल भी नहीं चलाया मैं तो क्रॉल करता हूं सेवेंथ में था मैं जब मैंने ड्राइविंग शुरू की थी वो बोलता मैं फिफ्थ में था यहाँ पे अल्फा मेल कंपटीशन चल रहे हाइट हाँ? हाँ थी इसलिए ओके okay. चल so, मेरी कुछ कहानी अलग थी नाउ फिर यहां से हम आगे बढ़े थे जब कभी कभी आप जाते हो तो आपको एविडेंस इनकंसिस्टेंट मिलते हैं क्या मिलते हैं इनकंसिस्टेंट आप अगर होनार बुद्धिमान शक्तिमान है कल आपने नोट किया होगा बैंक में बैलेंस कुछ दिख रहा था और स्टेटमेंट में कुछ और दिख रहा था कैसा था इनकंसिस्टेंट या फिर डाउट है तो कॉमन सेंस है मॉडिफाई ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाइए तह तक जाइए सच्चाई तक जाइए क्या है वो देखिए रिजॉल्व करिए मैटर बस इतनी सी बात थी तीन वर्ड में पूरा गेम खत्म होता है इनकन्सिस्टेंट है या डाउट है तो मॉडिफाई करो चेंज करो ऑडिट प्रोसीजर को और इसका असर भी देखो एक बार ठोकर लगी है लाइफ में आपने देखना चाहिए यार इस बंदे की कोई भी बात पे भरोसा नहीं करना है ये झूठा बंदा है जैसे लीगल हेड कंपनी ने उसने एक दो बार हमको झूठ बोला तो हमारे दिमाग में नोट हो गया मेरा भी ऐसा प्रिंसिपल है कोई बंदा अगर मेरे को एक दो बार झूठ बोल दे भाई फिर भाई ठीक है अपन उसकी बात पे कोई भरोसा करते ही नहीं हैं करेक्ट ध्यान देंगे आखिरी चीज़ हमने पढ़ी थी और क्या होता है वो तीन से सवा तीन का जो पीरियड रहता है तीन से सवा तीन का एकदम मेरे लिए भी कश्मकश होती है साला आखिरी दस पंद्रह मिनट में जोक सुना फ़ायदा एफएम को है एफ एम एस एम को है और मेरा टाइम तो खत्म हो गया तो फिर मैं पता होता है अगले दिन मैं लेने वाला हूँ उसको वापस बताने वाला हो क्या अभी क्या अभी सुना दो अभी तो कोई झूला नहीं अभी तक कोई गिरा नहीं अभी तक <laughs> ये देखो ओके okay. चलो आज मैं इतना खतरनाक वाला सुना रू जाएंगे एकदम आत्मा काप जाएंगे आदमी सुनेगा मेरा अस्तित्व धोखे में है तीन दिन तक सोएगा नहीं <laughs> मैं बोल रहा हूं हॉस्टल में आके सुनाऊं। ठीक है जो मजा आएगा यस सर कल अच्छा था ऑडियो क्वालिटी देखो जिसने ने सुना होगा उनको पता होगा ना मेरे अब मैं तुमको माय माइटी सोल्जर्स यू आर सोल्जर्स और कल मैंने बोला तुमको ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं हो बिकॉज यू आर बराबर अगली बार कोई ऑल द बेस्ट तेरे ले रख ले तू मेरे को बेस्ट ऑल द बेस्ट लगता नहीं है तेरे को चाहिए होंगे तो बोल दे बोलना घर वालों को मत बोलना लपड़ पड़ेंगे ना <laughs> okay. सुनिए आखिरी टॉपिक हम लोग ये देख रहे थे हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे सामने कष्टो कष्ट कश होता है कि हजारों ट्रांजैक्शन है किसको सिलेक्ट करे किसको ना करे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो लोग मुस्कुरा रहे किसको सिलेक्ट करे किसको सिलेक्ट ना करे किसके साथ डेट पे जाए किसके साथ डेट पे ना जाए इट्स अ बिग क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिन आपके जीवन में आए इंटर पास होने के बाद करेक्ट इंटर होने के पास होने के बाद ऐसा समय आए जिसको आप बहुत लाइट वेट लेकर रहने दे ठीक है सीए के बाद सीरियस कुछ करेंगे करेक्ट सीए के पहले बस थोड़ा सा साथ में हल्का फुल्का घूम फिर लिए मूवी भी देख लिया उतना काफी है इससे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ठीक है नाउ क्या हुआ नाउ तो ध्यान देंगे अच्छी बात है थी इसके अंदर बहुत सारी कि अगर आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे सेल्स आइटम्स है बहुत सारे परचेस आइटम्स है बहुत सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स है उसमें से आपको चुनना है कि किस चीज को आप चेक करेंगे किस चीज को ऑडिट एविडेंस बनाएंगे चेकिंग में किसको लाएंगे तो आपके तीन तरीके आपके कितने तरीके तीन तरीके पहला सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स इसको क्या बोलते हैं 100% सिलेक्शन और फिर दूसरा एक्सट्रीम कौन सा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो दिंग और उनके बीच में क्या है स्पेसिफिक सिलेक्शन स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन जो बहुत ही इंटेलिजेंट सिलेक्शन है मैं आपको बता रहा हूं ये सारा जो आपके दिमाग में पूरे प्रिंसिपल्स भरे जा रहे हैं ये फूट फूट के निकलेंगे जिस दिन आप ऑडिट करने जाओगे एंड नॉट जस्ट ऑडिट नॉट जस्ट ऑडिट आप कोई भी प्रोजेक्ट करोगे कोई भी स्टार्टअप करोगे कोई भी बिजनेस करोगे ये सारे प्रिंसिपल्स आपको काम आएंगे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सिलेक्टिंग ऑल दी आइटम्स तो आपको लिखना है वहां पे कि हाँ भाई बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सभी आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़े तीन एग्जाम्पल थे री फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम्स अगर आपको लगता है बीस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है बीस एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है आपने सभी सिलेक्ट कर लेना चाहिए पांच प्रॉपर्टी खरीदी है आपने सब सिलेक्ट करना चाहिए आपने दो इन्वेस्टमेंट करी है वह आपने सब कलेक्ट करना चाहिए फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंट रिस्क आइटम्स ऐसे आइटम जहां पर क्या है सिग्निफिकेंट रिस्क गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मतलब सुन लो ये वर्ड ऑडिट में बहुत आने वाला है हर जगह सिग्निफिकेंट वर्ड जोड़ देते सिग्निफिकेंट मतलब ऐसी चीज कि ये हमको हमारे सीनियर्स तक पहुंचाना पड़ेगा हमारे टॉप लेवल के लोगों के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा इसको स्पेसिफिकली अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा तो रिस्क जब बड़ी हो जाती है तो वो कौन सी रिस्क है सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सी रिस्क है भाई सिग्निफिकेंट रिस्क वहां पे हमने एग्जाम्पल देखे थे ठीक है हम लोगों ने रिलेटेड पार्टी को सेल किया था ट्रांजेक्शन 40 40 किया रिलेटेड को, को पार्टी ये बहुत ज्यादा रिस्की है हमने पूरे सिलेक्ट कर लेने चाहिए तो जहां पर भी आपको सिग्निफिकेंट रिस्क आइटम मिले आपने पूरे सिलेक्ट कर लेने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ ट्रांजेक्शन किए तो बहुत ज्यादा रिस्क है भाई किसको पैसा दिया क्या पैसा दिया पता नहीं है तो आपने सब सिलेक्ट कर लेने चाहिए फिर उसके बाद कभी कभी एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है अरे क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव होता है बीस चीजों का डेप्रिसिएशन निकालना मैन्युअली इस टाइम कंज्यूमिंग पूरे फिक्स ऐसे रजिस्टर को अपलोड मार दो डेप्रिसिएशन रिकम्पलीट हो जाएगा दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव दस लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मंथली मैन्युअली इट इज टाइम कंज्यूमिंग पूरा लोन रजिस्टर अपलोड कर दो और पूरा इंटरेस्ट निकाल दो दैट इज इजी दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव कोई भी चीज जहां ऑटोमेशन पॉसिबल है कोई भी चीज जहां पे ऑटोमेशन पॉसिबल है यू विल डू द वंडर्स ठीक है आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप लोग आगे जाओगे एक्सेल अब तो ए ये सब कुछ आपको आना चाहिए ठीक है ऐसे सुनाता हूँ वी लुकअप आपने कभी सुना है एक्सेल का बहुत प्यारा फंक्शन है ऑडिट में बहुत काम आता है डेट वी लुकअप क्या फंक्शन होता है आपको बताता हूँ जैसे सपोज दो एक्सेल शीट्स है अलग अलग दो एक्सेल शीट्स हैं पहले एक्सेल शीट में ठीक है आपके पिछले साल के अकाउंट नंबर्स पिछले साल के अकाउंट नंबर अकाउंट नेम और अमाउंट लिखे पिछले साल का डेटा है और दूसरे में इस साल का डेटा है अब आपको ये देखना कंपेयर करना है पिछले साल कितना बैलेंस था और इस साल कितना बैलेंस है एक फंडा है। इधर से कॉपी कर सर्च कर दूसरे शीट में वहाँ से अमाउंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ठीक है इसमें दो तीन दिन लग जाएंगे इसमें दो तीन दिन लग जाएंगे फाइंड कर कॉपी कर पेस्ट कर और कुछ लोग करते थे मैन्युअली तो मेरा दोस्त जिसको वी लुकअप आता था वो गया और उसने ये काम दो मिनट में कर दिया और सी एफ ओ वहाँ पर खड़ा था इमीजिएट ऑफर दे दिया सी ए बनने के बाद हमारी कंपनी ज्वाइन करना अभी से तेरे को ऑफ़र दे रहा हूँ सी ए बनने के पहले ठीक है देखो बारह लाख का पैकेज दूंगा लेकिन हमको ज्वाइन कर लेना वो किया नहीं उसने हम अलग बात है लेकिन जैसे लोग देखते स्किल सेट्स देखते यार इसने काम इतना आसान कर दिया वी लुकअप बहुत सिंपल सा फंक्शन है जो ये पूरा काम ऑटोमेट कर देता है विद इन टू मिनट्स सारे के सारे मैच हो जाएंगे एक फंक्शन अपने आप उठाएगा अकाउंट नंबर सर्च मार लेगा जो दिखेगा वापस लेकर आ जाएगा विद इन टू मिनट्स तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे ये वापस एग्जाम्पल है कि चार पाँच अकाउंट कम्पेयर क्यों करूँ वी लुकअप फंक्शन से मैं दो मिनट में सारे के सारे कंपेयर कर सकता क्यों ना करूँ सो इट विल वेरी और इसमें लड़के जनरली आगे होते हैं जनरली बोल रहा हूँ लड़के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स ठीक है गेम फेम इन सब के अंदर छोकरे बहुत आगे होते लड़कियों को थोड़ा कम नॉलेज होता है लेकिन लड़कियां कभी पीछे नहीं होती क्योंकि उनको हेल्प करने वाला कोई ना कोई लड़का होता ही है लड़कों का जरूरी नहीं है कोई लड़की हेल्प करने वाले होंगे ठीक है नाउ ध्यान देंगे न लिसन इसके बाद था अगर आप बहुत शातिर हो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो आप और एक काम कर सकते हो देखो हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन तो गदा मजूरी है अच्छा इसमें और एक बात थी बताओ मुझे आप कल हमने पढ़ा था फास्ट लेकिन फास्ट पढ़ा था कहां पे हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन जनरली नहीं किया जाता टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स में नहीं किया जाता बोल रहे कहा नहीं करते टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि अच्छा चलो उल्टा पॉजिटिव तरीके से पूछना अच्छा रहता है कहां पे 100% चेकिंग के चांसेस ज्यादा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि टेस्ट ऑफ डिटेल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि टेस्ट ऑफ डिटेल में <देखे़े> आपके सामने एक है सिस्टम को चेक करना और दूसरा है फाइनेंशियल आइटम को चेक करना कहां पे 100% सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है जनरली टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ओके okay, मुझे बताओ एक जैसा काम एक जैसे बार बार साइन करना एक जैसे बार बार स्टैंप मारना एक जैसा काम रिपीटेटिव नेचर काम मैनेजर का एक ही काम है चीज़ों को चेक करके उस पर साइन मारना उस पर स्टैंप मारना ठीक है ये क्या है इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल में रिपीटेटिव काम बहुत ज़्यादा है अरे क्या बोल रहा हूं रिपीटेटिव काम बहुत ज़्यादा है एक जैसा काम बहुत ज़्यादा है तो जहां पे रिपीटेटिव काम है एक जैसा काम है वहां पे हंड्रेड परसेंट चेकिंग करेंगे यहाँ पे जहां पे बहुत वेराइटी है अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर अलग अलग रीजन वहां पे हम चेकिंग ज्यादा कर सकते हैं सुन लो सर्यन क्या बोलता है सर्ण बोलता है जहां पे रिपीट चेकिंग बहुत ज्यादा है एक जैसी चीज ज्यादा है हंड्रेड परसेंट चेकिंग कर कोई मतलब नहीं है टेस्ट ऑफल में जरूरी नहीं है लेकिन जहां जहां पे बहुत रिस्क ज्यादा होती है वहां पे हम क्या करते हैं हंड्रेड परसेंट चेकिंग इज इस पॉइंट क्लियर देखो ये प्रिंसिपल डिस्कशन है कल जाके आप ऑडिट टीम्स में जाओगे डिस्कशंस करोगे मीटिंग्स में रहोगे तो लोग आपको पूछेंगे आपकी राय मांगेंगे या फिर सीनियर कुछ बोल रहा है आपको समझ में आना चाहिए इसने हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन क्यों बोला क्यों बोला इसने कल आप लोग मैनेजर बोलोगे और आप अपने टीम को गाइड करोगे कि यार हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन कहाँ होना चाहिए दैट टाइम यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस और सबसे इंटेलिजेंट तरीका है स्पेसिफिक सिलेक्शन अगर आप बहुत स्मार्ट हो उसमें तीन एग्जाम्पल दिए की कॉन्ट्रीब्यूटर्स की आइटम्स अगर आप हाई वैल्यू आइटम से की आइटम ऐसा बोला है अगर आप बहुत स्मार्ट हो आपको पता होना चाहिए कॉस्टिंग में आप पढ़ते हुए पैरेटो एनालिसिस कुछ ही आइटम होते हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पैरेटो हो वही होता है ना देर आर एंड आर आइटम ट्वेंटी परसेंट ऐसी चीज हर जगह देखने को मिल जाती है हर जगह ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है आप एक काम करो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है सिलेक्ट टॉप टेन परसेंट कस्टमर्स जो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स है टॉप कस्टमर्स है टॉप सप्लायर्स है उनको आप सिलेक्ट करो टॉप ब्रांचेस है उनको आप सिलेक्ट करो टॉप प्रोडक्ट्स है उसको आप सिलेक्ट करो मेहनत कम और कवरेज ज़्यादा आपने की कॉन्ट्रीब्यूटर्स निकाले या फिर आप ऐसा भी टॉप टे ठीक है हाई वैल्यू जो है टॉप वाली चीज़ें वैसा रूल बना लो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स टॉप हाई वैल्यू आइटम को सिलेक्ट करना इज अ स्पेसिफिक सिलेक्शन इज अ स्पेसिफिक सिलेक्शन और आपको नहीं आ रहा समझ में ऐसा आपको नहीं दिख रहा यार ऐसे कौन से कस्टमर है नहीं समझ में आ रहा है काम कर ले दस लाख के ऊपर के सारे सेल पाँच लाख के ऊपर के सारे परचेस जितने भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी एक लाख के ऊपर है महीने की उन सबको सिलेक्ट कर डाल या तो एक ऐसा फंडा करो एक अमाउंट तय करो इस अमाउंट के ऊपर जितनी चीजें होगी वो सारी सिलेक्ट कर लो वो भी कौन सा सिलेक्शन है स्पेसिफिक सिलेक्शन आइए देखिए वहां पे आप हाई वैल्यू और की आइटम्स हाई वैल्यू और की आइटम्स ठीक है जब आपको दिखता है कि जो हाई कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उसको आप सिलेक्ट करते हो टॉप चीजों को सिलेक्ट करते हो उसको हाई वैल्यू सिलेक्शन या फिर की आइटम सिलेक्शन हम लोग बोलते हैं द ऑइटर में डिसाइड से स्पेसिफिक आइटम विद इन पॉपुलेशन बिकॉज दे आर हाई वैल्यू और एग्जिट सम अदर कैरेक्ट्रिस्टिक्स जैसे ऐसा भी हो सकता है जहां पे हिस्ट्री है गड़बड़ की जैसे आपको कोल पता है कोल कोल कोयला इसमें गड़बड़ के चांसेस सबसे ज्यादा है आपको बताऊँ मेरा एक दोस्त है उसका काम कोयले का है बहुत पैसा है जम के मतलब प्रॉब्लम यह है कि कहाँ रखूँ कहाँ खर्च करूँ हमको दे दो तो लेकिन दोस्तों दोस्त होते हैं उसको गाली देकर बात करते उसकी औकात थोड़ी ग्रुप में कोई बोले बाप के पैसे प्याश करता साला सीए <laughs> है वो क्या किया बोले सीए बन वन के कुछ काम तो करता है नहीं निकम्मा बोले तो दोस्तों का मिलने का प्लान था फैमिली गैदरिंग समझ हो तो, तुम ठीक है तो उसको बोला भाई तू कहाँ पे अपन मिलते सब नहीं बोले मैं बहुत बिजी हूँ बोले काम चोर आदमी त्यों का आएगा काम अरे नहीं बोला ना अरे ठीक है हिम्मत जा फिर जिस रेस्टोरेंट में हम गए <laughs> वहीं पे देखा साला कभी ना हमको नहीं बोलता है खुद यहाँ पे आता है फिर उसको ऐसा देखा इधर है तू अरे बोला ना यार बिजी कह का बिजी अरे ये तो देख किसके साथ आए हुए एक बुढा सा आदमी है इतने दिन खराब चल रहे बोले सैटरडे इवनिंग बुढ़ाओ के साथ में बोले मैं बैठा हूँ अच्छा तो बोला मामला क्या है बोले बाद में बताता हूँ ठीक है बता तो बोले कौन है बोले ये परचेस मैनेजर है पूरा धंधा इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है तुमको अगर कोई भी माल बेचना है तुमको सेट करना है परचेस मैनेजर को परचेस मैनेजर वो व्यक्ति है जो आपका डील अप्रूव करेगा ये परचेस मैनेजर है बोले ये पावर प्लांट का कोल परचेस देखता है ये पावर प्लांट का कोल परचेस देखता है तो बोले तेरा डील क्या है बोले डील एकदम सिंपल है क्वांटिटी जितना बोला उतना रहेगा रेट जितना सबको मिलता है उतना रहेगा सिर्फ क्वालिटी में मैं ए कैटेगरी एक्सपेक्टेड है मैं बी कैटेगरी दूंगा लेकिन पैसा पूरा मिलेगा वाह बेटा बोले चल इससे भी बड़ा गेम बताता हूँ ठीक है इससे बड़ा गेम रेट जो था वही रहेगा क्वालिटी जो थी वही रहेगा सिर्फ एक चीज़ होगा ये सिर्फ एक चीज़ होगा कि कोयले का वजन निकलता है गाड़ी का पूरा उसके पहले उस पर पानी डाल दिया जाएगा कोयला पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका वेट बढ़ जाता है मैडम वो सब देखते बैठेंगे वो लोग जैसे ही वेट बढ़ जाता है रद्दी में भी ऐसी होता है जैसे ही वेट बढ़ गया तो जहाँ पे वज़न एक किलो होने वाला था वहाँ पे डेढ़ किलो हो सकता है ज़बरदस्त बढ़ जाता है और उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे तो बोले उसको सेट करना था इसलिए मीटिंग चल रही इसलिए है इसलिए बताते मैं बिज़ी हूँ नाउ अब तो इस तरह की सेटिंग आपको अब आपको पता है कि कोयले में गड़बड़ होती है आपको पता है कोयले में गड़बड़ होती है तो जितने भी पर्टिकुलर ब्रांच जितने भी बड़े बड़े कंसाइनमेंट आए कोयले के आपने उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो माल कैसा था क्या था क्वालिटी चेक रिपोर्ट क्या थी किस किसने सिग्नेचर की थी वो आपने देखना चाहिए नई जगह पे फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है नए ब्रांचेस नए प्लांट्स नए गोडाउंस इसलिए आपने उसको हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पर आप की आइटम स्पेसिफिक आइटम्स को आप सिलेक्ट करते हो फिर ऑल आइटम अबाउट सर्टन अमाउंट दस लाख के ऊपर के सभी चीजें बेस्ट तरीका है फिर मैंने आपको बोला था आइटम्स टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन कभी कभी आपको सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अरे यस yes, नो no? अरे याद आ रहा है क्या दो साल पहले नहीं पढ़ा था कल पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया की कंपनी उसकी पूरी जानकारी चाहिए उससे जितने रिसीट्स है जितने पेमेंट्स है जितना रिसिएबल है जितना पेबल है सारी जानकारी चाहिए मेरे को समझना है रिलायंस ये एक था मेरे को समझना है रिलायंस ग्रुप क्या कर रहा है ईवी में बैटरी में क्या कर रहा है जितना भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है वो मेरे को सब सिलेक्ट करना है अगर आपका ध्यय एकदम क्लियर है इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी चाहिए इस बिजनेस की पूरी जानकारी चाहिए उसको बेस बनाओ और उसके हिसाब से पूरा सिलेक्शन कर डालो अरे इज दिस पॉइंट क्लियर चलो ध्यान दो स्पेसिफिक सिलेक्शन में तीन तरह के सिलेक्शन पहला हाई वैल्यू या की आइटम्स जहां पे आपको पता है कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स है सबसे बड़े रिस्क वाले आइटम्स ये हो सकते हैं उसको सिलेक्ट लो फिर अब सर्टन लिमिट्स अब सर्टन लिमिट्स या फिर फॉर ऑप्टेनिंग सर्टन इंफॉर्मेशन उसके बाद आता है सैम्पलिंग आप अक्कड़ बक्कड़ रैंडम सैंपलिंग करके अलग अलग तरह के सैंपलिंग टेक्निक लगाकर आप सिलेक्शन कर सकते हो पूरा डेप्थ पढ़ने वाले गाथा देखने वाले हम लोग एस ए फाइव थर्टी में वहां पे लिख लो इन डिटेल एस ए फाइव थर्टी यहां तक हमने देखा था टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का कैसा था क्वेश्चन पढ़ने में क्या लगा आपका महसूस क्या था अनुभव क्या था क्वेश्चंस पढ़े आप लोगों ने यस नो कैसे क्वेश्चन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे केस स्टडी था केस स्टडी था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडी था ओके okay. वो कोई केस स्टडी नहीं था सब क्या था स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलने के लिए क्या होता है केस स्टडी इतनी गाथा ये कंपनी ये ऑडिटर ऐसा वैसा फलाना ठिमका और उसके बाद में फिर बाद में चलो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अच्छा अच्छा आपने कोई नहीं मैं डिस्कस नहीं करूँ मैडम तो मैडम तो उसमें यही था एग्जाम में ऐसा ही होता है कभी घबराना नहीं कभी भी लेंथ ऑफ द क्योंकि कुछ लोग मैं ये चाहता था कि ऐसे अजीब गरीब हो मैं मैं तो बहुत फिर भी मैं तो बहुत रीजनेबल लेंथ आधे-आधे पेज का क्वेश्चन छापू जैसे आधे पेज का क्वेश्चन छापते ना ये आधी जनता तो वही बैठ hey, गए कैसा होगा ये लेकिन इतना कचरा रहता उसमें इतना कचरा रहता मुद्दे की बात आखिरी में एक दो सेंटेंस में रहती यू शुड गेट यूज टू इट अभी आपको डर लगना नहीं चाहिए और एग्जाम का फील लो वहां पे बैठ के जब आपको आप खुद अपने मन से सोचते हो तो बहुत सारी बातें आपको क्लिक होती है आपके दिमाग में न्यूरॉन्स फूटते हैं तब आपकी सोचना बहुत बार क्लास में इतना नहीं सोचा होता जितना आप टेस्ट में और मैं बता रहा हूँ आपके मार्क्स किसी को पता चलने वाले नहीं, नहीं हैं और प्लीज़ मार्क्स को दिल से आप ना लगाए अपन मार्क्स के लिए नहीं कर रहे अपन सिर्फ अपने को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे और आप धीरे धीरे सीखोगे ऐसे अगेन माय सन खुश तो वो चेस सीखता था पहले दो महीने मेरे से रोज हारता था रोज और मैं बहुत ही मजे लेता था कच्चा लींबू लेकिन वो भाई रोज़ की उसका एक घंटा उसका कोविड में सेशन चलता था चेस सीखता था दो महीने बाद वही क्या क्या ओपनिंग करने लगा ये क्या क्या खेलने लगा फिर एक दो बार मैं हारा फिर मैं भागता था नहीं आज मैं बहुत गया आज नहीं खेलूंगा मैं भाई खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कितना तोड़ेगा आदमी ठीक है ये बच्चा मेरे को हरा रहा है करेक्ट पॉइंट इज ऑन द सेम लाइंस आप लोग हो सकता है इनिशियली कुछ आपको अच्छे मार्क्स ना आए बट कीप राइटिंग कीप राइटिंग कीप राइटिंग स्लोली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे सीधा फुल मार्क्स ही मिलेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है सारे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं अपना लर्निंग एटीट्यूड अपन चलते रह रहे हैं देख लेंगे चलिए लास्ट थिंग फॉर हैं चलिए उसके पे थोड़ा सा चर्चा आप लोग जंगल गए कभी जंगल या फिर ट्रेकिंग किया आप लोगों ने बहुत घने जंगलों में ऐसा कुछ जनरली आजकल की जनता ये सब नहीं सब मोबाइल पे पढ़े रहते हैं कौन जाता है अगर आप सही में बहुत घने जंगल में गए हैं जहां पे कोई रास्ता नहीं है तो आ, या फिर आपने कभी मूवीज में देखा होगा ऐसे झाड़ के ऊपर मार्किंग करते जाते हैं कभी देखा है मूवीज में देखा होगा दंडिया तोड़ते जा रहे हैं या फिर मार्किंग करते जा रहे हैं क्यों करते हो ताकि पता चले हम कैसे आए थे ताकि वापस जा सके यस नो यस नो? नो? नो या फिर मूवीज में देखा था किडनैप हो गया तो वहां पे जूते डाल दिया कहीं पे बैग डाल दिया पर्स डाल दिया कैप डाल दिया ऐसे ताकि इसको देखते देखते फॉलो कर ले यस yes, नो no? yes. इसको बोलते ट्रेल कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से हम लोग चीजों को ट्रेस कर सके जिसकी मदद से चीजों को ट्रेस कर सके उसको हम लोग क्या बोलते ट्रेल अरे यस yes, नो no? वैसे होता है ऑडिट ट्रेल ध्यान सुन लो अभी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड्स स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स जिसकी मदद से हम ट्रेस कर सके कि ट्रांजैक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी ओरिजिन क्या था अप्रूवल कैसा था प्रोसेसिंग कैसा था कंक्लूजन कैसा है फाइनेंशियल प्राइमरी बुक्स में कैसे गया सेकेंडरी बुक्स में कैसे गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचा जब आपको पूरा नजर आए उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ऑडिट ट्रेल फॉर एग्ज़ाम्पल आज के डेट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू होते हैं तो उसका बाकायदा दो तीन पेज का डॉक्यूमेंट बनता है कि एच आर के इंटरव्यू में क्या अच्छा और बुरा था टेक्निकल इंटरव्यू में क्या अच्छा और बुरा था वो निकल कर आता है एच आर का इंटरव्यू क्लियर हो जाए टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाए और एक सीनियर का इंटरव्यू तो इंटरव्यू का डॉक्यूमेंट होता है हर एम्प्लॉय की फाइल में पहला डॉक्यूमेंट उसका अगर अपॉइंटमेंट सही लग रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक करता है एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल एजेंसी चेक करता है सही में क्वालिफिकेशन है कि नहीं है हमेशा वो रेफरेंस मांगते हैं रेफरेंस को फोन जाता है आपके ऑफिस में काम किया था क्या आपके ऑफिस में काम किया था क्या भाई आपके स्टूडेंट थे क्या ये पूछा जाता है कंफर्म करते हैं सही में ऐसा है क्या आजकल नकली तो नोट बन गए भाई नकली डॉक्यूमेंट बनाना कोई बड़ी बात है क्या अरे कोई बड़ी बात है क्या कोई बड़ी बात नहीं है देखो ऐसा करना मत कभी आज, नकली सी सर्टिफिकेट बनाना सर देखो इतना आसान मत बनाओ क्यों मर रहे हम लोग यहाँ पे तुम लोग इसलिए मर रहे हो कि जब क्लाइंट आए तो उसको कुछ एडवाइस दे सको वो नकली सर्टिफिकेट से कुछ एडवाइस देने वाले नहीं है इसलिए कन्फर्म सिर्फ फिर में आता है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो भी कंपनी का आदमी नहीं करता है थर्ड पार्टी होती वो फिर वो डॉक्यूमेंट आता है फिर वो क्लियर होता है तो बंदे को फिर बंदे को ऑफर लेटर जाता है क्या आता है ऑफ़र लेटर फिर वो हाँ बोलता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर जाता है कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर अभी भी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलती फिर उसको ज्वाइनिंग लेटर आता है कि एक महीने बाद या दो महीने बाद ये डेट पे तू ज्वाइन करेगा फिर वो बंदा आता है उसके बेसिक रिकॉर्ड्स उसका आईडी कार्ड सब कुछ बनता है फिर उसकी एंट्री शुरू होती है अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में कहाँ पे होती है अटेंडेंस रिकॉर्ड्स फिर ओवरटाइम रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके लीव रिकॉर्ड्स बनते हैं महीने के फिर मंथ एंड में सॉफ्टवेयर उसकी सैलरी कंप्यूट करता है क्या जनरेट होता है सैलरी स्लिप और सैलरी स्लिप के बेस पे पेमेंट होता है और साल खत्म होने के बाद में उसको एक समय पे बोनस भी मिलता है उसको ना ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे इट इज ऑडिट ट्रेल ये देखकर मैं देख सकता हूं कि एम्प्लॉय कैसे आया कैसे उसने काम किया कैसे उसको सैलरी पे हुई कैसे उसको बोनस पे हुआ तो वो मेरे लिए क्या है ऑडिट ट्रेल अरे मेरे लिए क्या है ऑडिट ट्रेल बहुत आसान है ऑडिट ट्रेल स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर जिसकी मदद से मैं किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर आखिर तक ट्रेस कर सकूं देख सकूं सोर्स क्या था अप्रूवल क्या था रिकॉर्डिंग क्या थी प्राइमरी बुक सेकेंडरी बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे गया वो देख सकूं वो क्या है मेरे लिए ऑडिट ट्रेल आपको यहां पे इस शॉर्टकोट में आपको क्या समझाना है पहले आपको समझाना है मीनिंग अरे क्या समझाना है मीनिंग व्हाट डू मीन बाय ऑडिट ऑडिट्रेल मुझे बताओ फिर आपको सेकंड समझाना है मैं लिखूंगा बेनिफिट्स क्या समझाना है बेनिफिट्स देखो इंस्टीट्यूट ने तो क्या किया था चार पांच पैराग्राफ ठोक दिए ना कोई हेडिंग ना कुछ ना कुछ हमने उसको प्रोसेस किया उसको एक फ्लो में लाया ताकि पढ़ने में समझने में आसानी जाए चलो आप बताओ ऑडिट ट्रेल का एडवांटेज क्या है टेल मी इसका क्या फायदा है ऑडिट ट्रेल का फायदा क्या है एम्प्लॉयज का एग्जैक्ट इन्फो मिल जाता है ठीक है सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड्स है चीजें ट्रांसपेरेंट होती है कुछ झूठ लिखा का पता चलता है ऑडिट प्रोसीजर करने में बड़ी आसानी होती है हर चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं रिलायबिलिटी आती है ओके okay. और हाँ फ्रॉड को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, भाई सही में बंदा था कि नहीं बराबर हाँ बोलो कोई बोला ना यहाँ पे बीच में शर्मा हो नहीं शर्मा थोड़ी हो कंट्रोल इजी हो जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है एक भरोसा होता है किसी ना किसी बेसिस पे रिकॉर्ड किया हवा में नहीं है ओके, okay. चलिए, ध्यान दीजिए आइए अभी पहले दो पॉइंट आपके मीनिंग पे देखो मैंने वन ए वन बी ने इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट को छेड़ा नहीं अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया था तीन बड़े बड़े पैराग्राफ छाप दिए ऑडिटोरियल के नाम से अपन ने उसको स्टडी किया अपन ने उसको एनालाइज किया कि हर तीन चार लाइन कौन से पॉइंट पे फोकस करते पहले दो पॉइंट जो है उसको मार्क करो ये आपके मीनिंग से कनेक्टेड है ये आपको सिर्फ मीनिंग बताना चाहते हैं। दिस विल मेक योर थेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिटेन फिर टू ए टू बी टू सी ये उसके है बेनिफिट्स कि भाई ऑडिट ट्रेल के बेनिफिट्स क्या है फिर एक पॉइंट आता है कॉस्ट का और एक पॉइंट आता है ऑडिटर का लेट्स अंडरस्टैंड मुझे कोई बता पाएगा इससे कनेक्टेड कंपनी है एनी वन कैन टेल मी कुछ लिखा है क्या इससे कनेक्टेड हाँ ऑडिट ऑडिट ट्रेल क्या एनी वन एल वॉन्ट्स टू एड हाँ अपडेट होना चाहिए क्या इंडिया में कभी भी एक्सेस होना चाहिए अनेबल्ड होना चाहिए हमेशा डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए एक अप्रैल 2023 से जितनी भी कंपनीज कंप्यूटर पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है सॉफ्टवेयर है मैंडेटरी हो गया है हर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन किसने पंच किया था कब पंच किया था कितने बार चेंज किया था क्या चेंज किया था पूरा दिखना चाहिए एडिट हिस्ट्री पूरा लॉग दिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब कौन सा अकाउंट बना कब डिलीट हुआ कब नाम चेंज हुआ किसने किया कहां से एक्सेस किया उसकी पूरी कुंडली दिखनी चाहिए एवरीथिंग बेवकूफ नहीं बनाना है बोले गवर्नमेंट बोले तुम बेवकूफ बनाते हमको बोले अगस्त में बैठ के अप्रैल से मार्च की अकाउंटिंग करते जो चाहिए वैसी अकाउंटिंग करते पहले तय करते टैक्स कितना भरना है फिर सोचते प्रॉफिट कितना दिखाना है और फिर बैठ के अकाउंटिंग एंट्री मारते बोले जो मन में आए वैसा ऐसा नहीं होगा कंपनियों में अभी इसलिए बहुत सारे लोग अभी कंपनी फॉर्मेट से भाग रहे हैं आजकल सबसे फॉर्मेट सबसे फेमस कौन सा फॉर्मेट चल रहा है एलएलपी एल पी क्योंकि यहां पे कोई ऑडिट ट्रेल का रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनीज में गए तुम तो बहुत ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ऑनेस्ट काम करना पड़ेगा बिल्कुल एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है या फिर एडजस्टमेंट बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अरे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यस नो लेकिन सी ए जो वहां पर भी रास्ता बता देते तो आपके कंपनीज एक्ट में बोला ऑडिट ट्रेल फिर बाद में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है साल भर ऑडिट ट्रेल बराबर चला कि नहीं चला ट्रेल के डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई तो नहीं हुए टैंपर तो नहीं हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल मेंटेन करना पड़ता है आठ साल ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करना पड़ेगा आठ साल करेक्ट तो ऑडिट ट्रेल के बारे में अब तो मैंडेटरी है वहाँ पर भी आइए देखिए ये जो मीनिंग है मैं आपको फिर बता रहा हूँ एज इट इज़ रटने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी को अभी भी लग रहा होगा कि मेरे को रटना है तो आपको बहुत ही गलत लग रहा है अब मेरे हिसाब से कौन से थोड़े वर्ड्स है जो काम के हैं डॉक्यूमेंट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैरी करता है स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है ठीक है मैं इसकी डेफिनेशन तो भी लिख दूंगा आप लिखिए अगर डेफिनेशन ओन लैंग्वेज में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ऑडिट ट्रेल एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड ये कलेक्शन है कलेक्शन है ऑफ रिकॉर्ड्स आठ ईयर ऑनलाइन वाले जिंदाबाद बहुत बढ़िया स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ विच जिसकी मदद से वी कैन ट्रेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम सोर्स अप्रूवल्स प्रोसेसिंग प्राइमरी बुक्स सेकेंडरी बुक्स या लेजर लिख सकते हैं सेकेंडरी बुक्स टू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फ्लो था पूरा दिखना चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं शुरुआत से लेके आखिरी तक कि कैसे सोर्स बना कैसे था ओरिजिन क्या था अप्रूवल क्या था प्रोसेसिंग कहाँ थी एंड सो ऑन उसको हम क्या बोलते हैं ऑडिट ट्रेल लिख लिया डन ऑनलाइन वाले भी अभी अभी तो आप यूट्यूब पे हो पॉज करके बाद में देखते हो अब हम ऐप पे शिफ्ट होंगे कल से ऐप पे फैसिलिटी नहीं है पीछे जाने की ऐप पे नजर हटी दुर्घटना घटी तो थोड़ा खुद को उसके हिसाब से मेंटली रेडी कर दो नाउ एडवांटेज क्या है बेनिफिट क्या है ऑथेंटिसिटी मतलब ऑथेंटिसिटी मतलब रियल जेन्यून है क्या किसी भी ट्रांजैक्शन को उठा लो मैं इमीडिएटली चेक कर सकता हूं ये है कि नहीं है अगर ऑडिट ट्रेल में सभी डॉक्यूमेंट दिखे रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट दिखे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखे मतलब रियलिस्टिक है रियल है ऑडिट ट्रेल गायब है डॉक्यूमेंट गायब है मतलब तो दाल में काला है अगर आपको एक एम्प्लॉय दिख रहा है उसकी कोई इंटरव्यू फाइल नहीं है कोई उसका एक्सटर्नल वेरिफिकेशन नहीं है कोई उसका ऑफर लेटर नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है ज्वाइनिंग लेटर नहीं है उसके कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड्स नहीं हैं मतलब ये फेक एम्प्लॉय है डमी एम्प्लॉयज़ है सत्यम स्कैम में था बहुत पुराना तरीका है लोगों का सौ डमी एम्प्लॉयज़ निकालो एक ले एक, एक लाख की उनकी सैलरी है एक करोड़ रुपया निकलता है कंपनी से और सीधा जाता है एमडी के अकाउंट में कंपनी से पहले पैसा निकालते डमी एम्प्लॉयज़ के नाम से उस पैसे को एक कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफ़र करते वहाँ से कैश विड्रॉ करते कैश विड्रॉ करके दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में जमा करेंगे वहाँ से एमडी के पर्सनल अकाउंट में जाएगा किसी को पता ही नहीं चलता है कि पैसा कैसे मूव किया आर यू गेटिंग दिस पॉइंट अगर आपको दिख रहा है कि चीज़ें नहीं है मतलब वो रियल नहीं है बेनिफिट नंबर वन वी कैन चेक ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ओरिजिनलिटी ऑफ एनी फाइनेंशियल आइटम अगर आपको ट्रेल दिखा मतलब चीजें सच्ची है ट्रेल नहीं दिखा मतलब झूठी है रिड्यूसिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स। एम्प्लॉज कभी भी कभी भी जाकर देख सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत क्या थी क्वांटिटी क्या था अप्रूवल क्या था रेट क्या था क्वालिटी क्या थी और खुद की गलतियों को ठीक कर सकते इट रिड्यूसेस एरर्स अरे इट रिड्यूसेस एरर्स इट रिड्यूसेस एरर्स इट रिड्यूसेस फ्रॉड्स एनहांसिंग कंट्रोल्स सुन लीजिए जब पूरी एंप्लॉयज को पता होता है ना कि रिकॉर्ड रखा जा रहा है लोग जिम्मेदारी से काम करते किसकी गलतियां समझ में आती है परचेस मैनेजर की गलती है कि गोडाउन मैनेजर की गलती है कि प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है रिकॉर्ड देख के समझ में आता है जब तुम रिकॉर्ड रखते हो ना तो लोग बराबर काम करते हैं। आपको मैंने बहुत बार बताया था कि डायरी मेंटेन करो डायरी मेंटेन करना चाहिए क्योंकि ऐसा बोला जाता है जिस चीज को तुम मेजर नहीं करते उसको तुम कभी इंप्रूव नहीं कर सकते समथिंग यू विच यू कैनॉट मेजर यू कैनोट इंप्रूव ओनली वेन यू स्टार्ट मेजरिंग ओनली वेन यू रियली स्टार्ट मेजरिंग समथिंग यू कैन इंप्रूव छोटी सी डायरी लो ज्यादा बड़ी भी नहीं बस डे एंड पे वहां पर लिखना आज कितना समय क्लास किया कितना समय सेल्फ स्टडी किया कितना समय सोया मेरे को सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है भरपूर सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू डू उससे जो आप रिफ्रेशमेंट क्या बात करें सर मैं आके फाड़ के क्लास में बैठा हुआ था पहले नहीं बोले तुम जो आपको रिफ्रेशमेंट वहां से मिलेगा और जो एनर्जी आपको वहां से मिलेगी वो और कोई चीज से मिलने वाली नहीं है सिर्फ तीन चीजें लिखना है कितना समय क्लास किया कितना समय सेल्फ स्टडी किया कितना समय सोए और आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है और आपका टारगेट होना चाहिए बैलेंसिंग फिगर को कम करते जाना जितना हो सके और वहाँ पे और एक चीज़ दिखना उसके नीचे ऑनेस्टली रोज आप आपने देखना कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना था और मैं बता रहा हूँ आपको पहले दो तीन दिन ख़ुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैं वो आदमी हूँ जो टाइम के लिए मरा पड़ा रहता हूँ मैं जो दिन रात रोता रहता हूँ कि मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और मेरा स्क्रीन टाइम देखो हाँ स्क्रीन टाइम मैं ये भी समझता हूं जो प्रॉपर एप्स में आप यूज कर रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन लेकिन ऐसे बच्चे सौ में से पांच ही होते हैं ठीक है तो आपने वो भी डिस्टिंग्विश अलग करके रखना चाहिए ताकि समझ में आए और मैं बोला एब्सोल्युटली फाइन पहले दिन से अगर हम रॉक स्टार बन जाएंगे तो बात ही कहती लेकिन हमको रियलिटी दिखने लगेगी हम जिम्मेदारी से काम करेंगे विल अंडरस्टैंड कंट्रोल को स्ट्रांग करता है समझ में आता है किसने क्या काम किया है गलती है तो किसकी गलती है लोग अच्छे से काम करते हैं मैं आपको बताता आर्टिकल शिप में एक सीनियर होता था वो बोले चेक कर ले वाउचर वाउचर चेक कर ले गलती रही तो बता देना ज़्यादा रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा सीनियर मिल गया ना बहुत बढ़िया फ़ोन आया डन कुछ गलती नहीं मिली सब काम किस में है? हवा में एक सीनियर मिलता था कौन सा वाउचर किया उसके नंबर चाहिए और उसमें कुछ गलती है क्या वो बताना अरे भाई अब नंबर लिखना है मतलब वाउचर चेक करना है अब मैं उसको गोल घुमा नहीं सकता रिकॉर्ड रखने के वजह से लोग जिम्मेदारी से काम करते वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलती किसने की है पता लगाना आसान है इट मेक्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रोंग वहां पे लिखो पीपल वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि पता है कि मेरे रिकॉर्ड्स कोई भी देख सकता है ईजी टू फाइंड आउट हु डिड मिस्टेक ये अपनी लैंग्वेज में लिखना है रटना नहीं है आपने अगर हेडिंग लिख मैं आपको सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने ये हेडिंग्स ही बराबर लिख दी पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि तुमको कॉन्टेंट पता है हो सकता है वो अंदर ज़्यादा पढ़े भी नहीं दैट इज़ द मैजिक ऑफ पुटिंग प्रॉपर हेडिंग्स लेकिन भाई इट कम्स विथ कॉस्ट जितना आपको रिकॉर्ड रखना है आपको उतने लोग लगेंगे आपको उतने रिसोर्सेस उतने सॉफ्टवेयर लगेंगे उतना टाइम लगेगा इट कम्स विथ कॉस्ट एवरीथिंग कम्स विथ कॉस्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम आप जितना ये लाल पित्ताशाही बढ़ाओगे रेड टेपिज्म बढ़ाओगे ट्रेल तो बहुत बन जाएगी आपके जीवन में लेकिन जो प्रोसेस स्लो हो जाएगी धीरे धीरे चलेगी वो अच्छी बात नहीं है इसलिए इट कम्स विथ कॉस्ट कॉस्ट प्रॉब्लम है ऑडिटर बड़ा खुश होता है कॉन्फिडेंस टू ऑडिटर जिस कंपनी में भी आपको क्या देखने को मिले अरे क्या देखने को मिले ऑडिट ट्रेल देखने को मिले बड़ा खुश होता है कि मैं किसी भी चीज को कभी भी चेक कर सकता हूं कैसे भी चेक कर सकता हूं शुरुआत से आखिरी तक लेट्स फ्रीज लास्ट टॉपिक ऑफ एस ए सबसे पहले क्या समझाएंगे मीनिंग अरे क्या समझाएंगे मीनिंग फिर क्या समझाएंगे बेनिफिट कितने बेनिफिट है तीन benefit. कभी भी किसी वक्त कोई भी चेक कर सकता है जेन्यन है कि नहीं है इंटीग्रिटी है ऑनेस्टी है कि नहीं है फिर अगला बेनिफिट है इससे रिड्यूसेस फ्रॉड्स एंड एरर कभी भी किसी को रीचेक करना है रेक्टिफाई करना बड़ा ही आसान है किसको स्ट्रांग बनाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है कॉस्ट बेनिफिट है तो साथ में डिसएडवांटेज भी इट कम्स विथ कॉस्ट लोग ज्यादा लगेंगे टाइम ज्यादा लगेगा रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे इट विल कम्स विथ कॉस्ट सिस्टम को स्लो बनाता है और ऑडिटर इज हैप्पी मेगी बिकम कॉन्फिडेंट जितना ज्यादा ऑडिट ट्रेल उतना चेकिंग करना आसान उसका उसका भरोसा बढ़ जाता है ठीक है तो गाइज हमारा पहला ऐसे खत्म हुआ अगर इसमें आपका फील ठीक है हाँ, खुद की आसान है आसान है, है।, है।, है। लोग बोलेंगे साले पागल है ओके <laughs> okay. जोक सुनाओ बोले जोक सुनाए? ठीक है देखो पहले गाली मारते कुछ भी सुनाता बोले पागल आदमी ही है फिर खुद बोलते मेरे को जहर दो मेरे को जहर दो अच्छा वाला सुनाओ ये हमारा जिराफ बोल रहा है अच्छा वाला सुनाओ बेचारे पीछे वाले मर जाते बोले कहाँ से बैठ गए आदमी पूरी रो खाली रहती पीछे की मजाक कर रहे तू कहा लोड ले ओके okay. कोई अच्छा किस्सा सुना बोले अच्छा वाला लव स्टोरी सुना बोले वो, वो भी चलेगी ठीक है ओके okay. तो चलिए तो अपने जीवन में शादी के पहले दो कहानियां थी ठीक दो दो नाम वाम थोड़ी बताऊंगा कैसे बात करें मैडम तो इंटर तक अपन ने खुद को एकदम ऐसे बांध के रखा था इधर उधर देखने का नहीं फोकस करेक्ट लेकिन फिर अपन पास हो गए रैंक वैंक आ गया मुंबई चले गए बिग फोर में आर्टिकलशिप अच्छा खासा स्टाइपन एकदम टशन में रहने लगे तो उसमें पहले छः महीने एकदम बावले हो गए कि इतना इतना मतलब मेहनत कर रहे थे काम कर रहे थे भाई इन्हें एकदम इतना एक्साइटमेंट क्या एकदम पार्टनर ही बना देंगे अपने को ऐसा यानी अपना काम खत्म हो गया सीनियर काम तू बता और कुछ है अरे क्या हो गया पागल हंस रहे मनी मन लॉल साला पागल रोएंगा एक दिन यह तो छः महीने बॉस वॉस भी थोड़े बहुत कि भाई ठीक है अच्छा काम करता है फिर छः महीने हुए और नए आर्टिकल्स ने ज्वाइन किया हर छः महीने में नए आर्टिकल्स ज्वाइन करते तो तब अपन सीनियर थे और जूनियर ने ज्वाइन किया और हमारे जो बॉस थे वो बहुत ही काड़ी थे वो जोड़िया लावा वो बस कनेक्शन जोड़ते रहते थे उनका फंडा क्लियर था अगर कनेक्शन स्ट्रांग हो गया ना तो ये फॉर्म में टिक के काम करेंगे। ऑफिस में ज्यादा काम करेंगे। करेक्ट। तो एक रैंक होल्डर थे उन्होंने ज्वाइन किया और सर ने बोला टावरी तुम्हारे असाइनमेंट में तुम तुम्हारे ग्रुप में रहेंगे लोग ठीक है, है अच्छा अपन ऐसे थे अपन मुंबई आरवीजी हॉस्टल में थे तो अपन लोगों के बहुत मजे लेते थे ठीक है शाम का सीन एकदम माहौल होता था जैसे ही सात आठ बजे के बाद कोई नहीं क्या स्टेयर केस में बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा कोने का अपने में बात कर रहा रूम में बात कर अपन जाके मजे लेते थे आवाज़ें निकाल रहे ये वो फिर गालियां मार रहे साला ये भले लव मैसेज करता है हाँ तो बहुत मज़े लेते थे अभी ऐसा हुआ हमारे ग्रुप में रिक्रूटमेंट हो गया तो बोले ठीक है तुम बता देना इनिशियल तुम लोग ऑडिट कैसे चल रहा है क्या चल रहा है कंपनी के बारे में तो बातें शुरू हुई दो तीन दिन के बाद फोन नंबर एक्सचेंज हुआ भाई अपन भी मैसेज करने लगा लेकिन मैसेज बोला यार साला मैं लोगों के मजे लेता था मेरे दोस्त तो मेरे को मार डालेंगे और मेरी जो हालत करेंगे चलो ठीक है लेकिन बोला अच्छा लग रहा है तो अपने भी मैसेजिंग शुरू हुई रिप्लाई भी आना शुरू है। मतलब ठीक ही जा रहा है जो जा रहा है ठीक है कब अपने ऐसा काम का जुनून थोड़ा बहुत कम हुआ दूसरा जुनून चढ़ने लगा फिर एक दो महीने हुए एक हाथ बार लंच वंच पे मिले ठीक है अलग ही एक्साइटमेंट फिर फ्रेंडशिप डे आया क्या आया फ्रेंडशिप डे तो फ्रेंडशिप डे आया पूरा हॉस्टल पूरा हॉस्टल एक दिन पहले शॉपिंग जैसे कल दिवाली हो फाइनली फ्रेंडशिप डे पे सब आर्टिकल्स मिले एक गार्डन में बोले टाइम पास वाइम पास करेंगे हंसी मजाक करेंगे सब हुआ दो घंटे बाद सब जाने लगे और आखिरी में चार लोग बचे साम जो दो लोग बचे वो एकदम मैडलिन लव मतलब उनका वो डिसाइड हो रहा कि हम फ्लैट किधर खरीदेंगे और बच्चे कितने रहेंगे ना? मैं बोला ये तो अलग ही चल रहा है भाई यहाँ पे और यहाँ पे बाजू में मैं और वो अब भाई ऐसा तो रैंक होल्डर ऐसा बोलो फिर सामने वाला बोलता है शॉपिंग के लिए चलते हैं मैंने बोला हम तो गली करके आए मनी मन शॉपिंग के लिए चलते हैं तो बोले यार मेरे को तो कोई शॉपिंग नहीं करनी है तो बोले मेरे को भी नहीं करनी है फिर इसको करनी तू क्या करेगा नहीं बोले अपन थोड़ा असिस्ट कर। हाँ? ऐसा भी होता है ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ मैं तो कभी नहीं किया चल बोले यहीं पे मॉल है चलो अपन वहां पर लेडीज हैं अपने लेडी को कौन देख रहा कौन देख रहा कि अपने को अपन पहली बार ही घूम रहे वहां पे जैसे तैसे खत्म बोला बहुत बढ़िया निकलो यहां से बाहर बोले कुछ खाते बोला बहुत बढ़िया कुछ खाना चाहिए तो बोले मैकडोनल्ड से चला। चलो चलो भाई वहां जा रहे अलग ही चल रहा दो स्ट्रॉ एक गिलास बोला चल क्या आ रहा है तब अपने को ऐसा अब लगा बॉस अपन ने तो कोई थॉट ही नहीं दिया इस चीज के बारे में अपन बाजू में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे अपने को तो पता ही नहीं अपने साथ चल क्या रहा है और अपन यहाँ पे जो सामने चल रहा है ना ये बाजू में एक्सपेक्टेशन सही नहीं जा रहा तो फिर अपन ने मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा है और अभी मेरे को हॉस्टल जाना पड़ेगा तो बाजू बोल <laughs> 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 तो तो बाजू वाले बोलते हैं मैं छोड़ देती हूँ अरे नहीं रे भाई मैं खुद जाऊंगा अपन तो हॉस्टल पहुंचे हॉस्टल में मैं ही रहता था वो घर में रहता था ठीक है तो गलत समझ रहे फिर मेरे जो अपने दोस्त अपने सलाहकार एडवाइजर उनके पास गए जो हंस रहे जो खिंचाई कर रहे तो एक घंटे तो दो घंटे मेरी बहुत मजे लिए फिर बाद में बैठे अरे टावरी तो हमको लगा नहीं था तू बहकेगा ऐसा बोले मेरे को भी लगा था कि मैं बहकूंगा ऐसा तो ये निकला कि बॉस देर इज राइट टाइम फॉर एवरी और यहाँ पे बोले तू बहका तो तेरा सी एफ तू कर रहा है आर्टिकल शिप बिग फोर से कर रहा है फाइनल की तैयारी है तेरे ऊपर प्रेशर कम नहीं है तेरे कमिटमेंट्स कम नहीं है और बोले अपना देख इतिहास है हॉस्टल में देख ले बोले जितने लोग घुसे वो घुस गए बोले उनको बाहर आना मुश्किल हो गया तो सब ऐसे चर्चा वर्चा हुई तो फिर डिसीजन लिया गया कि बॉस और मुझे एक चीज़ ऐसी लगी कि अगर ऐसा कुछ होता है ना देन यू स्टे अवे फ्रॉम द फ्रेंड सर्कल ये वो समय होता है जब आपके 10-15 दोस्त होते हैं बहुत हंसी मजाक होता है और वहाँ पे जहाँ पे आप पूरे ग्रुप में एंजॉय कर सकते हो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन तो फिर अपन ने रूल बनाया कि भाई अपन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे जो मैसेज सबको करते वो मैसेज इधर भी करेंगे जैसा मैसेज सबको करते वैसा मैसेज इधर भी करेंगे तो अपन अभी खुद को रिकेलिब्रेट कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप पे आते सामने वाले को बुरा लगा बहुत कुछ बोला बोला चलता है अभी बुरा लगना ठीक है बाद में बुरा लगेगा वो गलत है एंड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल सी पे पहुंच गई और अपन बहुत कम समय बाहर आ गए यह समय है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर ऐसा होता है प्लीज कीप इन माइंड करेक्ट ठीक है अभी मैं बातों क्या फर्क पड़ता है जो बच्चे का दिमाग क्लियर है पढ़ाई वो रात को सोने से पहले सोचता है कल क्या पढ़ना है कैसे प्लानिंग रहेगी खुद को इवेल्युएट करता है जिसके दिमाग में बाकी चीज़ें चल रही है उसके पास ये सब का समय नहीं होता कुछ लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कुछ लोग बोलते नहीं सर मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लूँगा जनरली हो नहीं पाता है अब मेरे पास बच्चे सारे तरह के प्रॉब्लम लेके आते हैं तो एक कन्या ही ठीक है थीके? तो बोले सर ये बहुत ही पॉजिटिव है मतलब क्लास में तो मेरे को सब दिखता है बोला इधर से कौन किधर बैठा है कि दोनों ने कैसे एक में को देखा किसने फोन उठाया फिर किसने दूसरे ने फोन उठाया मैसेज किधर से किधर गया अच्छा दो लोग एक में को देख रहे हैं तीसरे का चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है <laughs> यहां पे सब समझ में आता रहता है ठीक है हाँ। तो तो कन्या बोले सर ये बहुत ही पॉजिटिव है अच्छा अब मैं मनी मन मैं बोला कितने समय से तुम एक में को जानते हो बोले तीन महीने से <laughs> बोले सर ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा माते पाल पोस के इसके माँ बाप ने बड़ा किया और ये तेरे बिना रह नहीं पाएगा ठीक है तो मैंने बोला जो होता है होने दो लोग सरवाइव कर जाते हैं कुछ नहीं होता बट यू गाइज फोकस ऑन द स्टडीज तो कन्या तो पास हो गई भाई ये दूसरे अटेम्प में पास हुआ जबकि बहुत होशियार इंटेलिजेंट था लेकिन इसने दिल पे ले लिया बहुत तो लड़के नालायक रहते लड़कियां सेंसिबल बहुत रहती देर वेरी बहुत है उनको पता रहता क्या है कैसा है तो अल्टीमेट एडवाइस इज सब कुछ नॉर्मल रखने का लाइट वेट रखने का और अपन ने अपने पढ़ाई पे ध्यान देने का ठीक है चलिए रे अभी काय का जो जिंदगी का मैंने बता दिया दूसरी कहानी थोड़ी दर्द भरी है अभी सब आज ही हो जाएगा क्या चलिए कम टू ऐसे फाइव जीरो वन कम ऑन कमऑन पांच सौ एक पे आइए ध्यान दीजिए फाइव हंड्रेड सीरीज आपको यही सिखाते रहेंगे हाउ टू कलेक्ट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स स्पेसिफिक कंसिडरेशन कंसिडरेशन मतलब यहां पे उसका मतलब है स्पेसिफिक Principles and procedures, हमको वो कुछ प्रिंसिपल्स बता रहे considerations मतलब प्रिंसिपल्स यहां पे उसका मतलब है principles and procedures. हमको प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स बता रहे कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए तीन चीजों के लिए ऐसे बनाने वालों ने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रिसर्च किया और ऐसा ढूंढ के निकाला कि तीन एरियाज है जहां पे गड़बड़ बहुत ज्यादा है और आपके वहां उसको चेक करने के प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स आपको बता रहे हैं। पहला पहला एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बेवकूफ बनाया जाता है बॉक्सेस के अंदर भूसा भरा जाता है नकली चीजें भरी जाती है और बेवकूफ बनाया जाता है एक ही चीज को दो दो बार काउंट किया जाता है तो बोले कैसे चेक करना एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री फिर सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है लोग छुपाते हैं कि उनके ऊपर कितने लिटिगेशन हैं बड़ी बड़ी कंपनियां छुपाती कितने बड़े बड़े केस चल रहे हैं और अचानक जब केस का रिजल्ट आता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान लग जाता है इन्वेस्टर को झटका लगता है छुपाते इसलिए कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स और तीसरा लोग गड़बड़ करते हैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन ए एस हुआ क्या हुआ कि नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं। कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग दीदी सर ने ओके ओके तो क्विकली ये आपको बताने वाला है ऑडिट प्रोसीजर कितने एरिया में तीन पहला एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री को कैसे चेक कर दूसरा कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम तीसरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन एक में हम आगे जाएंगे आइए अब मैं आपको पूछता हूँ आप एक कंपनी की इन्वेंट्री है 500 करोड़ की उनका एक गोडाउन है जहाँ पे 200 करोड़ का स्टॉक है आपको बोला जाता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है टू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री आप कैसे चेक करोगे इन्वेंट्री को आप मुझे बताइए हाउ How हाउ you, you? अरे भाई कैसे चेक करोगे हाउ हाँ एक एक करके कौन क्या बोल रहे आप लोग रिसिप्ट चेक करेंगे मतलब कितने स्टॉक आया वो चेक करेंगे ठीक है मैं पूछ लूंगा एक एक करके थोड़ा हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन मैडम क्या बोल रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ओके पांच मार्क का आंसर है हाउ विल यू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी पांच मार्क का आंसर है मुझे एक जवाब आया फिजिकल वेरिफिकेशन एक वर्ड कहा कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी चेक करना चाहिए वैल्यूएशन बराबर किया है कि नहीं किया है क्रॉस oh. चेकिंग कौन सी क्रॉस चेकिंग कौन बोल रहा है भाई हाँ इधर हाँ हाँ कितना खरीदा था कितना बेचा कितना है वो देखना है क्रॉस चेकिंग करना चाहिए यस मैम बोली मैम रैंडमली पूरे बॉक्सेस सिलेक्ट करेंगे उसको चेक करेंगे परचेस इन्वाइस और सेल्स इन्वाइस देखेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिएटर देखेंगे स्टॉक लेजर लोग बोल रहे हैं वर्किंग देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखो इंस्पेक्शन करो फिजिकल वेरिफिकेशन करो सैंपलिंग करो परचेस देखो स्टॉक रिकॉर्ड देखो आर्यन निशांत शुभम प्रियांशु निखिल सौम्य ऋतिक सानविका अनिश अक्षत चेतन ओके हाँ पी आर एन जी आर एन देखो जीएसटी रिकॉर्ड्स जीएसटी records, एस टू वैल्यूएशन कॉस्ट एन आर विचोर इज लोअर ओके और कुछ मैनेजमेंट का रिपोर्ट रिपोर्ट ओके okay. ऐसा कुछ भी नहीं है आंसर ऐसा कुछ भी आंसर में नहीं है अगर आप इस तरीके से मन से आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बट ये बिल्कुल सही है ये करना इसलिए बोलता दिल खोल कर लिखो लेकिन पॉइंट को पकड़ के लिखो पॉइंट के आसपास आप चलने चाहिए नौ लिसन यहां पे बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होंगे मुझे बताओ कंपनी कौन चला रहा है कंपनी कौन चला रहा है गोडाउन किसके कंट्रोल में है स्टॉक किसके कंट्रोल में है ओके क्लोजिंग स्टॉक निकाल के एंट्री लगवानी है वो कौन करवाता है फाइनेंशियल सेट में किसकी जिम्मेदारी है ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करना किसकी जिम्मेदारी है क्लोजिंग yes. स्टॉक की एंट्री किसको लगानी है? गोडाउन yes. में जाके काउंट करना कितना स्टॉक है उसका वैल्यू निकाल के एंट्री लगाना किसकी जिम्मेदारी yes. हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन करना किसकी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट yes. सबसे पहली गलती आप लोगों ने की ऑडिटर शुड डू फिजिकल वेरिफिकेशन आंसर इज ही शुड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन अब सुनो मैं आपको कैसे अभी इसलिए और बहुत सही किया मैंने आपको स्टेप्स बाय पढ़ने के लेट लेट योर योर ब्रेन थिंक थिंक यू टू होने दो फिर जब आप सही आंसर सुनो तो अपनी फाइल को रेक्टिफाई करो उसको अलाइन करो उसको फाइन ट्यून करो यहां पे आपको लिखना था ऐसे फाइव जीरो स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड एरिया स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड एरिया एप्लीकेबल है और वो हमको बताता है वो हमको बताता है दैट इट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन एवरी ईयर सो दैट दे कैन गेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड पास अकाउंटिंग एंट्री इट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट फिजिकल टू अटेंड टू अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी जिम्मेदारी है कि अटेंड करना अब पूरा आंसर क्या है पता है जब वो जाकर अटेंड करेगा तो क्या करेगा आपने जिस पॉइंट को एक लाइन में निपटा दिया एक वर्ड में निपटा दिया उसी को इनडेप्थ खेलना था ये वहां पे आपने सीखा कि भाई मुझे आप बिल्कुल सही बोल रहे थे आप अगर इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती कि नहीं करती तो वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन रास्ता है आपको क्या करना है अटेंड अरे क्या करना है अटेंड स्टेप नंबर वन इज अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन उसमें चार बातें करनी पड़ती है आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी स्ट्रांग होगी उस पर डिपेंड करता है सुनो मैं जब आपको इमेजिनेशन करवा रहा हूँ वो करो तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल का दिन है फर्स्ट ऑफ अप्रैल सुबह नौ बजे फैक्ट्री का बहुत बड़ा गेट है वहाँ पे टैक्सी रुकती है वहाँ से आप आपका बैग लेकर फैक्ट्री गेट से अंदर जाते हो यू आर द ऑडिटर सौ मीटर चलते हो लेफ्ट साइड में गोडाउन का बहुत बड़ा गेट है और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं येलो कलर का हेलमेट और फ्लोरोसोकरन का उनका जो जैकेट है वर्कर वो खड़े वर्कर्स नहीं एक्जैक्टली exactly, जो वहाँ पे लोग खड़े हैं जैसे आप वहाँ पर जाते हो वो बोलते हैं अरे सर वेलकम आप ही का हम लोग वेट कर रहे थे वी आर फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम और हमारा काम है फिजिकल वेरीफिकेशन करना और हमको बताया गया कि आप इस प्रोसेस को अटेंड करने वाले हैं मैं आपको बता दूं हमने क्या तैयारी की है मैनेजमेंट के क्या इंस्ट्रक्शन है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला हमारे पांच गोडाउन है 500 करोड़ का माल है यहाँ पे 200 करोड़ का माल है पांचों लोकेशन पे एक साथ एक ही समय पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि माल इधर से उधर होकर डबल काउंटिंग ना हो क्या बात है दिल खुश कर दिया और बता यहाँ पे सर काउंटिंग करने के लिए हमारे साथ में गोडाउन मैनेजर है फिर दूसरा बंदा हेडकोार्टर से आया है नज़र रखने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से वेरी गुड एक बंदा यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट है वेरी गुड हमारे पास में इक्विपमेंट्स है और हमने उसको कैलिब्रेट कर दिया है जीरो पे वेट निकालने के लिए हमारे पास में हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है जो डिप लेते हैं डिप पता है आपको जब लिक्विड मेजर करना तो कहते हैं डिप हमारे पास में एक स्टैंडर्ड डिप है जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अलावा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है हमने उसको कैलिब्रेट कर दिया मैं आपको बता दूं रात को 12 बजे से पूरा स्टॉक का मूवमेंट बंद कर दिया है कोई भी परचेस का माल कंपनी में आ नहीं सकता है सारे ट्रक आपने देखे होंगे फैक्ट्री गेट के बाहर खड़े नो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट बजे के बाद कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी माल नहीं जाएगा प्रोडक्शन जो हमारी शिफ्ट थी मॉर्निंग शिफ्ट उसको छुट्टी दी गई है उसको ऑफ रखा गया है ताकि कोई इन्वेंट्री का मूवमेंट ना हो आपको बता दूं हमारे पास में हमको ब्लैंक शीट्स दी गई है हर शीट के ऊपर कंपनी का होलोग्राम है और साथ में नंबरिंग है शीट नंबर टू वन फाइव टू वन सिक्स टू वन फाइव टू वन सिक्स टू वन सेवन टू वन एट टू वन नाइन टू टू जीरो ऐसी शीट्स से बोले दो सौ पंद्रह से लेकर दो सौ बीस तक हमको इंस्ट्रक्शन है कि हमको काउंटिंग करके पेन से इसके ऊपर लिखना है और मैनेजमेंट का बंदा देखता रहेगा और आप हमारे साथ में चलेंगे एक्सलेंट बोले जब जब हम जो जो चीज काउंट करते जाएंगे वहां पे स्टिकर लगाते जाएंगे काउंटेड ताकि किसी चीज का भी डबल काउंटिंग ना हो क्या तरीका है दिल खुश कर दिया तूने सबसे पहला काम होता है गो स्टडी एंड अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन वॉट आर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट का क्या तरीका है टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन और उनके प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है कि नहीं है आपको इमेजिन आपने किया यार इंस्ट्रक्शन जोरदार है मैं देखा दे आर सुपर वंडरफुल वे ऑफ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन अगला स्टेप शुरू करिए सर वी विल ऑब्जर्व बंदा कैसे काउंट कर रहा है कैसे स्टिकर लगा रहा है कैसे शीट में लिख रहा है क्या लिख रहा है सही में इन्वेंट्री का मूवमेंट बंद है कि नहीं है थर्ड पार्टी के स्टॉक को बाजू में रखा जा रहा है ना जितना भी स्टॉक है अपने कंपनी का लोगो है ना उसके ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या करेंगे ऑब्जर्व उसमें अगला पॉइंट हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है थीके? हम टेस्ट काउंट करेंगे क्या करेंगे टेस्ट काउंट मतलब जो लोग प्रैक्टिकल ऑडिट करके आए उनको से लगता है ऑडिटर को 100 परसेंट चेकिंग करनी पड़ती है मिड मिड साइज 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 स्मॉल में ऐसा होता है बड़ी कंपनियों में वी डू टेस्ट काउंट बोले साहब आप सौ आइटम चेक कर रहे हो उसमें से पंद्रह बीस मैं करूंगा पंद्रह बीस आप कर चुके हो मैं टेस्ट काउंट करूंगा और मैं मेरे रिजल्ट खुद लिखूंगा और मैच करूंगा आपके रिजल्ट से मैच होते कि नहीं होते टेस्ट काउंट करना मतलब सैंपल बेसिस पे काउंटिंग करना क्या करना सैंपल बेसिस पे काउंटिंग करना और आखिरी चीज मैं कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री देखूंगा कोई इन्वेंट्री ऑप्सिलीट तो नहीं है कोई इन्वेंट्री स्लो मूविंग तो नहीं है कोई इन्वेंट्री डैमेज तो नहीं है डिफेक्टिव तो नहीं है वो इन्वेंट्री को मार्क करवाऊंगा क्योंकि इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा आपने ए एस टू में पढ़ा होगा जो इन्वेंट्री डिफेक्टिव हो जाए ऑब्सलीट हो जाए खराब हो जाए उसको राइट ऑफ करना पड़ता है स्टेप नंबर वन है आई विल गो एंड अटेंड उसमें कितनी बातें करूंगा चार

चकाचक पूरे के पूरे रेडी है एक्चुअल इन्वेंट्री काउंटिंग शीट्स आर रेडी एक्चुअल कितनी इन्वेंट्री वो रेडी है कौन मुझे बताएगा बाय इवनिंग थिंग्स आर रेडी कि कंपनी के पास एक्चुअल इन्वेंट्री कितनी है कौन से आइटम कितने क्वांटिटी में पूरा रेडी है ठीक है अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप क्या होगा इंस्पेक्शन hmm? में जो भी एरर्स निकलेंगे उसको रेक्टिफाई करना एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन एनालाइज करेंगे उसको अच्छा मैं क्या मैडम मतलब आप तो बोलने वाले हो इसलिए मैं बाद में सुनता हूं तीन बार बोला कोई बात नहीं ठीक बैंग ऑन टारगेट सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कर लिया तो क्या किया इन्होंने अब हमको उसको मैच करना पड़ा किससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। मैच इट उसको हम क्या करेंगे मैच हम फिज एक्चुअल काउंटिंग रिकॉर्ड है जो एक्चुअल काउंटिंग रिकॉर्ड है उसको किससे मैच करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेंगे चीजें मैच हो रही कि नहीं हो रही जितना स्टॉक भाई कहीं पे स्टॉक कम तो नहीं है कहीं पे ज़्यादा तो नहीं है जनरली कम होता है कम हुआ ना चिंता नहीं करने का खुश होने का कभी कोई स्टॉक मैच होता नहीं है कभी डैमेज हो गया डिफेक्टिव हो गया हल्का फुल्का चोरी हो गया लेकिन तुम कभी ज़्यादा मिले ना कुछ बहुत बड़ा टेंशन काम है स्टॉक ज़्यादा कैसे हो सकता है मतलब कुछ तो गड़बड़ है मतलब कोई चोरी कर रहा है और रिकॉर्ड्स मैन्युपुलेट कर रहा है और मैन्युपुलेशन में कभी कभी स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है आप मैच करो फिजिकल काउंटिंग रिकॉर्ड फिजिकल काउंटिंग रिकॉर्ड और अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखो क्या डिफरेंस है उसको वो बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी अरे इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज घबराओ मत इसको अपनाओ और डिक्शनरी मत खोलो क्या मतलब निकल सकता है मेरी भावनाओं के हिसाब से तो बोले डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंसेस क्या डिफरेंस है वो देखो और मैनेजमेंट को बोलो एक्सप्लेन दिस क्यों इतना कम है क्यों इतना ज्यादा है क्या एरर है समझाओ मेरे को और रेक्टिफाई करो इसको दैट्स इट यहां पे आपका कोई वैल्यूएशन नहीं आया सीखने वाली बात है बिकॉज बात सिर्फ एग्जिस्टेंस की चल रही थी बास की चल रही एग्जिस्टेंस कंडीशन भी था साथ में मैंने कोई वैल्यूएशन की बात नहीं की मैंने कोई ए की बात नहीं की क्योंकि बात थी किसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन कोई जीएसटी रिकॉर्ड्स मैंने भरे था कोई जीएसटी रिकॉर्ड्स की बात नहीं थी कोई परचेस इन्वायस की बात नहीं थी कोई सेल्स इन्वाइस की बात नहीं थी खुलना बहुत अच्छा है बस अपनी फाइल को भी फाइन ट्यून करो कि मेरे को मेरा पूरा फोकस किस पे डालना था फिजिकल वेरिफिकेशन कि वो अटेंड कैसे करना और अटेंड करने के बाद क्या करना पांच मार्क का आएगा ये क्वेश्चन बहुत फेमस कम से कम एम टी एग्जाम में दस बार पूछा हुआ है बार बार लगातार आइए देखिए इफ इन्वेंट्रीज मटेरियल डेफिनेटली कॉमन सेंस है बड़ी चीजों के लिए ही काम करते हैं इमेरियल चीजों पे हम इतना ध्यान देते नहीं है इफ इन्वेंट्रीज मटेरियल ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन स्टेप नंबर वन अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन जाइए जाकर अटेंड करिए अनलेस इम प्रैक्टिकल भूकंप जाए वगैरह तो हो सकता है आगे डिस्कस करेंगे उसको सबसे पहला काम है मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन जाकर देखिए मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है उसको स्टडी करिए एनालाइज करिए और देखिए कि ये जो पूरी प्रोसीजर्स है रिलायबल है ना वेल well फ्रेमड है ना ऑल एविडेंस ऑप्टेन करिए आर दे रिलायबल फॉर काउंट प्रोसीजर्स ये अच्छी प्रोसीजर्स है ना उसके बाद में क्या करिए ऑब्जर्व एक वर्ड याद रखना बहुत आसान है मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन ये याद रखना बहुत आसान है उसको खींच के तुमको क्या बाना पड़ेगा उसका पॉइंट कि पहले हम जाके स्टडी करेंगे किसको मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बोलिए जाइए यू शुड मीट पीपल यू शुड ऑप्टेन मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन यू शुड स्टडी देम अंडरस्टैंड देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट आर दे रिलायबल और नॉट दूसरा काम क्या है ऑब्जर्व जाइए करिए ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं फिर परफॉर्म टेस्ट काउंट टेस्ट काउंट का मतलब सैंपल बेसिस पे चीजों को चेक करना है आपको एमसी क्यों आ सकता है इज इट मैंडेटरी फॉर ऑडिटर टू डू हंड्रेड परसेंट चेकिंग गलत बेवकूफ़ी है हम बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे हमारा पूरा स्टैंडर्ड फ्रेमड है टू मेक अस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेस्ट काउंट इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री कंडीशन देखो इंस्पेक्ट फिजिकली आप जाकर देखो जो इन्वेंट्री दिख रही है कोई डिफेक्टिव स्लो मूविंग डिफेक्टिव सबको समझता है क्या डिफेक्टिव है आउटडेटेड है ऑप्सलिट है डैमेज है स्लो मूविंग समझता सबको जो सालों महीनों से पड़ा है बिक नहीं रहा है उसको क्या बोलते हैं स्लो मूविंग बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड स्टेप नंबर टू अगर हम बात करेंगे स्टेप नंबर टू की बात करेंगे अब आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वेदर दे रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट मतलब क्या आपको फाइनल जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं और इसको एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्चुअल इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड्स है उससे कंपेयर करो उसको मैच करो बस इतने बोलो आप और बोल सकते हैं मैच करो देखो डिफरेंस है क्या डिफरेंस है तो क्या क्यों है डिफरेंस और उसका रेक्टिफिकेशन मांगो किससे मैनेजमेंट से कौन सा ऐसे पढ़ रहे फाइव जीरो वन वो हमको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर प्रिंसिपल्स बताएंगे कौन से एरियाज में तीन एरियाज में कौन सा इन्वेंट्री लिडिगेशन क्लेम और सेगमेंट इंफॉर्मेशन अभी हमने किसको चेक किया इन्वेंट्री कितने स्टेप्स लगाए दो और वो पहले स्टेप में हमने क्या किया अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन और उसके बाद में हमने ऑडिट प्रोसीजर में कंपेयर किया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हवा लगी क्या यस yes, नो no? अच्छा मुझे बताइए बैलेंस शीट डेट कौन सी होती है क्या सर पॉज लिया आपने हमको लगा कोई बड़ी बात पूछेंगे पूछ पूछ के क्या पूछा बैलेंस शीट क्या होती है थर्टी फर्स्ट मार्च इन्वेंट्री कब की जाती है 31st. कब की जाती है थर्टी फर्स्ट मार्च आपको क्या लगता है फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने का बेस्ट डे कौन सा है थर्टी फर्स्ट मार्च मतलब खत्म हुआ उसके बाद फर्स्ट अप्रैल यस नो थर्टी फर्स्ट मार्च को दिन खत्म हुआ अगले दिन काउंटिंग का बेस्ट डे डू अग्री विथ मी कि कुछ और डेट है yeah. वो बेस्ट डे सबसे बेस्ट डे थर्टी फर्स्ट मार्च खत्म हुआ और फर्स्ट अप्रैल काउंटिंग हुई लेकिन आप सोच के देखो जैसे पीडब्ल्यू सी में अगर उनके हजार क्लाइंट्स है हर क्लाइंट के पचासों ब्रांचेस है पचास हजार लोकेशन है और एम्प्लॉज बड़े मुश्किल से है पंद्रह सो चलो दो हजार क्या सभी लोकेशन कवर हो सकते क्या यस नो नो और सब लोग काउंट पे जा रहे हैं ऐसा पॉसिबल भी नहीं है तो प्रॉब्लम यह है कि थर्टी फर्स्ट मार्च के लिए हमारे पास में एडिक्वेट स्टाफ नहीं है अच्छा और एक चीज होती है कभी कभी कंपन फोनते हैं, ओ ऑडिटर मेरा धंधा पहले इंपॉर्टेंट है पहले मेरा बिजनेस होगा उसके बीच में बताना काट डालूँगा मैं कुछ लोग अपने बिजनेस को लेकर बहुत पर्टिकुलर है पहले मैं बिज़नेस करूँगा माल बेचूँगा पैसा कमाऊँगा ऑडिट होता रहेगा तेरा पागल है क्या थर्टी फर्स्ट मार्च को मैं शिफ्ट रोकूँगा पीक पीरियड है मेरा मेरे को मेरे सेल्स टारगेट अचीव करने हैं डिस्पैच टारगेट अचीव करने हैं कोई रुकने नहीं वाला तो बहुत बार ऐसा है कि 31 मार्च के बाद 31 मार्च को काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे बेस्ट डेट थर्टी मार्च है लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास भी लोग अरे हमारे पास भी लोग कम हैं और उसके पास भी बहुत बार टाइम नहीं है तो फिर क्या करेंगे क्या हम दूसरे डेट पे जा सकते कैन वी गो टू अदर डेट यस नो बिल्कुल सही वी कैन गो टू अदर डेट इट इज अलाउड एज पर एस ए फाइव जीरो वन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सपोज पंद्रह अप्रैल कौन सेट पे गए पंद्रह अप्रैल इकतीस मार्च को ना मेरा जमे ना उसका जमे ना हमारा जमरा, ना उसका जमरा। लेकिन मिलना तो जरूरी है समझ रहे हो तुम पहले हमको तुम डोज देते कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है उससे दूर रहो देखो मेन्यू कार्ड पढ़ते रहना ऑर्डर करना जरूरी नहीं है ठीक है नो पंद्रह अप्रैल को आप मिलने वाले हो मुझे आप बताइए पंद्रह अप्रैल को भी क्या यही प्रोसीजर लगाएंगे पहले तो काउंटिंग करने के लिए क्या यही प्रोसीजर लगाएंगे काउंटिंग मतलब काउंटिंग अटेंड करते वक्त यस yes, नो no. इतना ही करेंगे उस दिन कुछ और भी करना पड़ेगा यस मैडम एग्जैक्टली बैंग ऑन टारगेट ठीक है और मैडम ने जो बोला मैडम ने ये बोला कि हम लोग पंद्रह अप्रैल को जाएंगे जो दो स्टेप्स हम लगाने वाले थे 31 मार्च को वही दो स्टेप्स लगाएंगे कहां पे 15 अप्रैल को जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करने वाला था वैसे ही होगा जैसे हम अटेंड करने वाले वैसा ही होगा सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम लेकिन कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स होंगे क्या होगी एडिशनल प्रोसीजर्स आपको इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है ना है कि नहीं है अरे यार इंश्योरेंस क्लेम नहीं है ऐसे प्यारे प्यारे चैप्टर थे निकल गए कोर्स से बाहर उड़ा दिए अरे इंश्योरेंस क्लेम क्या टाइम पास चैप्टर था मार्क्स मार्क्स गिरते थे उसमें चलो कोई बात नहीं अकाउंट्स रे सब्जेक्ट कौन सा ओ मेरे को लगता था इधर है अच्छा आपने प्रिपेयर भी कर लिया था बाप रे मतलब कोर्स चेंज हो रहा लेकिन मैडम मैं छोड़ेगी नहीं मैं ओल्ड कोर्स से पढ़ाई करेगी कोई बात नहीं मैडम नॉलेज वेस्ट नहीं होता लिसन, चलो पंद्रह अप्रैल को आपको स्टॉक पता चल जाएगा लेकिन आपको स्टॉक कब का चेक करना है इकतीस मार्च पंद्रह दिन का रिकंसिलिएशन बनेगा क्या बनेगा रिकंसिलिएशन वहां पे हम लिखेंगे पहला स्टॉक एज ऑन फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल फिर आप रिवर्स करेंगे ट्रांजैक्शन क्या करेंगे रिवर्स पंद्रह दिन के ट्रांजैक्शन रिवर्स करो मुझे बताओ पंद्रह दिन में अगर परचेस अगर पंद्रह दिन में क्या हुआ है परचेस परचेस स्टॉक में ऐड हुआ होगा अरे परचेस मतलब गुड्स आते हैं स्टॉक में ऐड हुआ रिवर्स करना है तो माइनस सेल्स मतलब स्टॉक गया है उसको रिवर्स करें तो ऐड करो परचेज को रिवर्स करेंगे सेल्स को रिवर्स करेंगे तो आपको स्टॉक मिलेगा कब का थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च फिर आप देखोगे वो स्टॉक और आपके बैलेंस शीट का स्टॉक मैच होता है कि नहीं होता है तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल दूसरा डेट पॉसिबल है दूसरा डेट पॉसिबल है लेकिन आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा एडिशनल प्रोसीजर आइए उस पर हा ब्रेक देंगे हम लोग एक बज गया सर चलो टेक अ ब्रेक बोले आपको पता नहीं कितनी दुआएं दी हमने आपको अगर फ्रॉड हो गया निशांत हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी यस yes, सौम्या बिल्कुल सही है अनुष्का बोल रही फाउंडेशन में पढ़ा था बिल्कुल सही प्रियांशु बोल रहा है आसान है सही है आसान है बेटा जितना कम रहे उतना अच्छा हाल प्रतीक भाऊ तुम्हाला एखाद जण कोला घेऊन जायचं घेऊन जा हां मॅडमला घेऊन जा मी सुरू करतोय लेक्चर हां तर घेऊ ज्यू, घेऊन Ah sorry, sorry. fine fine पुष्कर है क्लास में पुष्कर 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 ओके ओके okay. okay. चलिए ध्यान देंगे जी जिमियो के थे हाँ जिम लियो में ऑनलाइन वाले अलग ही माहौल बना रहे इन्हें इमोजी से भर दिया यहाँ पे बहुत बड़ा आई एम प्राउड ऑफ यू शुभम रोहित प्रियांशु अथर बिल्कुल आतंक पूरा मचाते रहो इतना आतंक मचाओ इतना आतंक मचाओ कि YouTube का सर्वर परेशान हो जाए ओके okay. ध्यान देंगे कौन सा ऐसे पढ़ रहे फाइव जीरो वन कितने आइटम्स के ऊपर है तीन कौन से इन्वेंट्री दूसरा अरे पहला इन्वेंट्री दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम्स और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन अरे तीसरा कौन सा सेगमेंट इंफॉर्मेशन आइए हम इन्वेंट्री के बारे में हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं इसमें तीन स्पेशल केस आएंगे कितने स्पेशल केस आएंगे तीन आइए पहला स्पेशल केस स्पेशल केस नंबर वन स्पेशल केस नंबर वन ओके क्या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन दूसरे डेट पे कर सकता है यस yes. दूसरे डेट पे जाके क्या हम लोग सेम ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे यस yes. ऊपर जो हम लोगों ने दो स्टेप्स किए थे वो हम लोग परफॉर्म करेंगे यस yes. लेकिन क्या उसके अलावा हमको एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा यस yes. एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है जो ऑडिट प्रोसेस नॉर्मली परफॉर्म करते हैं उससे जब भी थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर भाई जो था वो तो परफॉर्म करना है साथ में क्या परफॉर्म करना है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ध्यान देंगे आइए क्या लिखा हुआ है परफॉर्म अब प्रोसीजर ऊपर जो आपके दो स्टेप थे बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम दूसरे डेट पे फिजिकल वेरिफिकेशन जाके अटेंड कर सकते हैं आंसर इज यस आपको समझाना पड़ेगा कि बिल्कुल कर सकते हैं वहां पे हमको वही दो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जाके अटेंड अटेंड करना पड़ेगा करने के बाद रिकॉर्ड्स को मैच करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा परफॉर्म अबाउट प्रोसीजर प्लस एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑप्टेन एविडेंस वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड सर ये क्या बोल रहे हैं आपका रिकन्सिलेशन बनेगा क्या बनेगा रिकंसिलियेशन देखो स्क्रिबल करिए आपका रिकन्सिलिएशन बेसिकली आपका स्टॉक रिकन्सिलिएशन बनेगा आपको मिलेगा स्टॉक एज ऑन फिफ्टीन ऑफ अप्रैल फिर आप रिवर्स करेंगे रिवर्स करेंगे ट्रांजैक्शंस को आप रिवर्स करेंगे ट्रांजैक्शंस को आप कैसे रिवर्स करेंगे ट्रांजैक्शंस को आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे परचेस ऐड हुआ होगा परचेस ऐड हुआ होगा पंद्रह दिन फिफ्टीन अप्रैल से लेकर फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेकर फिफ्टीन अप्रैल में जितना परचेस हुआ परचेस जब होता है गुड्स जब आते हैं तो स्टॉक बढ़ता है कि कम होता है बढ़ता है पंद्रह दिन में स्टॉक बढ़ा था हम उसको रिवर्स करेंगे क्यों क्योंकि हमको फिफ्टीन हमको थर्टी फर्स्ट मार्च पे पहुंचना है किस पे पहुंचना है थर्टी फर्स्ट मार्च रिवर्स ट्रांजैक्शन आपके फर्स्ट अप्रैल से लेके फिफ्टीन अप्रैल में जो चेंजेस हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन हुए है उसको रिवर्स करिए सबसे पहले आपका परचेज स्टॉक आया था उसको रिवर्स करना है, उसको माइनस करेंगे माइनस करना पड़ेगा फिर इस दौरान जो सेल हुआ गुड्स गए उसको भी रिवर्स प्लस करना पड़ेगा ऐसा अगर आप पंद्रह दिन का एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च स्पेशल केस नंबर वन दूसरे डेट पे फिजिकल वेरिफिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है वहां पर जाओ वही सेम प्रोसीजर लगाओ सब कुछ करो लेकिन एक एडिशनल प्रोसीजर होगी क्या बनेगा रिकन्सिलिएशन और रिकन्सिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पूरा गेम अब आ जाता है अगर ये चेंजेस गलत हो गए तो स्टॉक गलत हो जाएगा ये आपके चेंजेस है ये आपके क्या है चेंजेस ये आपके चेंजेस है ये चेंजेस सही होने चाहिए अगर चेंजेस अप्रोप्रिएट है तो बात बन जाएगी चेंजेस अगर गलत है तो आपका स्टॉक गलत हो जाएगा आपको पूछना चाहता हूँ ये पंद्रह दिन के परचेस ये पंद्रह दिन के सेल बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं हंड्रेड्स हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया ये आपको कहाँ से पता चलेगा क्या हम लोग पूरे जीआरएन लेकर बैठेंगे इन्वाइस लेकर बैठेंगे पंद्रह दिन में हजारों परचेस होंगे हजारों सेल होंगे क्या हम पूरा हम सब लेकर बैठेंगे उसका हिसाब लगाएंगे, सॉफ्टवेयर में किसने पहले बोला रिकॉर्ड लेकिन रिकॉर्ड तो बहुत सारे होंगे कई सारे होंगे इतने सारे रिकॉर्ड्स हम कहाँ से लेकर आएंगे और हम इनको पूरा जमा करेंगे उसका पूरा एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है मैडम बोले सॉफ्टवेयर होगा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि पंद्रह दिन का परचेस कितना है पंद्रह दिन का सेल कितना है तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कंपनी टू कंपनी चेंज होता है कंपनी टू कंपनी चेंज होता है कुछ कंपनीज बोले क्या हो गया इसको कुछ कंपनीज रखती है परपेचुअल रिकॉर्ड्स क्या रखती है परपेचुअल रिकॉर्ड्स और कुछ कंपनीज रखती है पीरियोडिक रिकॉर्ड्स कौन मुझे बताएगा क्या होता है यस मैडम पीरियोडिक मतलब स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक साल दो साल हाँ ओके परपेचुअल मतलब राइट right ऑफ नहीं होगा ओके okay. एक मिनट हाँ ठीक है यस सर परपेचुअल मतलब रेगुलरली मेंटेन करेंगे पीरियडिक मतलब मंथली वीकली उसको अपडेट करेंगे इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन से अगर सब कुछ है तो पीरियोडिक है बीच में बीच में परपेचुअल है सॉरी और बीच में बीच में है तो पीरियोडिक है ओके okay. ध्यान देंगे सब लोग की भावना एकदम मिलती जुलती थी आपस में एकदम मैच हो रही थी समझ रहा था मैं एकदम सुन लीजिए Listen, आप लोग आप लोग चैंपियन हो अकाउंट्स के यस yes, नो no. क्या बन रहे हैं हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट सो वी शुड बी चैंपियंस ऑफ अकाउंट्स फॉर श्योर बाकी सब्जेक्ट्स तो है ही लेकिन अकाउंट्स तो हमारी शान आन बान और शान है उसके तो बराबर एडवांस अकाउंट्स की जय जय माता दी अच्छा ऐसा है कि उसके बाद चलो एडवांस अकाउंट की जय माता दी भी है जे। आ? जे। तात्या? जे तात्या चलो बेचारे आदमी को तुमने हैवान बना दिया पहले सेंटेंस में तुम जय बोलते हो और दूसरे में जय तात्या बना देते होने इतना अपोजिट सीधा क्या? अरे मैडम फिर से बोलना बोले चलो एडवांस अकाउंट्स की जय ओके ध्यान देंगे शुभम ने बहुत लंबा चौड़ा लिख कर भेजा है ओके okay, सुनिए आप अकाउंट्स के चैंपियन आप जानते हैं बहुत सारी कंपनीज इन्वेंट्री के डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है वो सिर्फ साल के एंड में जब उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है कुछ लोग बनाते क्वार्टरली और कुछ लोग बनाते एनुअली सिर्फ मुझे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है इसके लिए मैंने टीम को भेजा जाओ देख कर आओ गोडाउंस में फैक्ट्री में कितना स्टॉक है और मुझे बताओ उसके बेसिस पे मैं एंट्री पास करूंगा उसको बोलते पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग मैं सिर्फ क्वार्टरली या इयरली बेसिस पे जाकर देखता हूं कितना स्टॉक है उसका हिसाब रखता हूं और सीधा उसकी एंट्री पास कर देता हूं स्टॉक टेकिंग इस सिस्टम में कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई आज का स्टॉक क्या है तो हम बता नहीं सकते तेरह क्वार्टर एंड का बता सकता हूं और तेरे को ईयर एंड का बता सकता कॉल्ड पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग कुछ कंपनीज अपने स्टॉक को लेकर बहुत सचेत रहती है बहुत अलर्ट रहती है बहुत ज्यादा सीरियस रहती है वो बोलते नहीं हम और मेहनत करेंगे भले ही फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंट अकाउंट अकाउंट्स में टेक्निकली स्टॉक की जरूरत नहीं होती आप सीधा किसकी एंट्री पास करते क्लोजिंग स्टॉक की लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं हम हिसाब रखेंगे हम और हिसाब रखेंगे कुछ लोग हर छोटी चीज का हिसाब रखते कि ओपनिंग में कितना था कितना आया कितना ट्रांसफर हुआ कितना डैमेज हुआ कितना डिफेक्टिव था कितना डिस्ट्रॉय हुआ कितना चोरी हुआ कितना क्लोजिंग स्टॉक है हर मोमेंट ऑफ टाइम पे उनके पास में स्टॉक अवेलेबल है आज का कितना स्टॉक है अवेलेबल कल का कितना स्टॉक है अवेलेबल हर चीज उनके पास अवेलेबल है डे दे ऑन डे अवेलेबल है उसको बोलते परपेचुअल परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस तो दो तरह की कंपनीज है एक होती है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग वाली जो क्वार्टरली और एनुअली चलती है सिर्फ और दूसरी होती है परपेचुअल जो लोग परपेचुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते उन वहां पे सिर्फ वही पे ऐसा हो सकता है पंद्रह दिन का डेटा बड़े आराम से मिल जाएगा पंद्रह दिन का परचेस पंद्रह दिन का सेल पंद्रह दिन के रिटर्न्स पंद्रह दिन के मूवमेंट 15 दिन के ट्रांसफर्स ये तो मैंने रिकंसिलिएशन बहुत सिंपल बना दिया इतना सिंपल भी नहीं होता है इसमें मैंने किसको नहीं लाया परचेस रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न फिर उसके बाद में ट्रांसफर्स विद इन द गोडाउन ये सब मैं नहीं लेकर आया ठीक है लेकिन हर चीज का हिसाब रखते हैं वो परपेचुअल रिकॉर्ड्स है तो आपको क्या करना है देखो बहुत सिंपल है पहले तो ये स्पेशल केस पंद्रह दिन आगे पीछे कर लेना ये सिर्फ वही पे पॉसिबल है जो कंपनीज डे टू डे कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं मतलब जहाँ पे कौन से रिकॉर्ड्स है परपेचुअल रिकॉर्ड्स चलो मुझे सिर्फ इतना बताओ फील लेकर कौन लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं परपेचुअल वाले कि पीरॉडिक वाले परपेचुअल वाले हर चीज़ का हिसाब कौन रख रहे हैं परपेचुअल वाले. वाले सिर्फ एंड में जाके कौन नाच रहे हैं पीरियडिक वाले ज़्यादा डेटा कहाँ से मिलेगा में. अब ये लोग बोलते परपेचुअल रिकॉर्ड्स को जाकर चेक करो देखो कि वो रिला सेल हुआ था कि नहीं हुआ था रिवर्स भी करो कि यह परचेस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ था. अगर आपको लगता है कुछ एर इसमें गलती से थर्ड पार्टी का स्टॉक आ गया किसका स्टॉक थर्ड पार्टी अपन अपने, अपने गोडाउन में अपने स्टॉक के साथ साथ थर्ड पार्टी।, पार्टी का भी स्टॉक रखते डू अग्री विथ मी सुनो कहीं कहीं पे हम लोग सिर्फ एजेंट्स होते हैं कंसाइनमेंट हम लोग सिर्फ क्या होते हैं एजेंट्स अरे इन्होंने गलती से एजेंट का भी दूसरों का माल भी ले लिया उसको क्या करो माइनस हम चेक करते रिलायबल है कि नहीं कहीं पे रेक्टिफिकेशन तो रेक्टिफिकेशन करवाते फिर वहां से डेटा निकाल कर ये रिकंसलेशन में भरते उसको एडजस्ट करते आइए देखो क्या लिखा है यहाँ पे हमको चेंजेस चेक करने पड़ेंगे वेदर चेंजेस बराबर है कि नहीं इसके लिए क्या होता है पहले रिकन्सिलेशन बनाया जाता है रिकन्सिलेशन ऑफ इन्वेंट्री बिटवीन काउंटिंग डेट एंड बैलेंस डेट बताओ काउंटिंग डेट क्या था ऑफ अप्रैल बैलेंस डेट क्या है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च इसमें जो चेंजेस है उसकी एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है उसको चेक करते से किससे चेक करते हैं परपेचुअल रिकॉर्ड लेकिन इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा वेदर मुझे कुछ गलतियां मिलती है तो क्या रीजन थे रेक्टिफाई करना पड़ेगा फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे इन रिकनसी इसको एडजस्ट करवाएंगे इन रिकनसिलेशन और एडजस्ट करने के बाद हमको थर्टी मार्च का स्टॉक मिल जाएगा ठीक है लेट्स फ्रीज फिर हम अगले केस पे चलेंगे स्पेशल केस नंबर वन क्या दूसरे डेट पे काउंटिंग पॉसिबल है यस yes. yes. वहां जाकर हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे स्टेप वन एंड स्टेप टू जो हम पढ़कर आए हैं स्टेप वन एंड स्टेप टू उसके बाद में हमको और क्या परफॉर्म करना पड़ेगा एडिशनल प्रोसीजर्स किसके लिए टू चेक वेर द चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन टू डेट इज अप्रोप्रिएट और नॉट इसके लिए क्या बनवाएंगे रिकनसिलियेशन शन के अंदर जो चेंजेस है वो चेक करने पड़ेंगे किससे चेक करेंगे परपेचुअल रिकॉर्ड से लेकिन पहले परपेचुअल रिकॉर्ड सही है कि वो देखना पड़ेगा पहले चेक करेंगे आर द और नॉट अगर वहां पे कोई गलती मिलती है डिफरेंस मिलते हैं तो उसका रीजन क्या है इंटेंशनल है अन इंटेंशनल है उसका क्या करवाएंगे रेक्टिफिकेशन जब सब सही मिल जाए तो उसको एडजस्ट करेंगे कहां पे रिकनसिलियेशन इज एवरी वन क्लियर अबाउट दिस पुरानी प्रोसीजर पूरी फॉलो करेंगे चेंजेस चेक करेंगे चेंजेस चेक करने के लिए क्या हमारे पास रिकन्सिलिएशन और रिकन्सलेशन किससे चेक करते हैं परपेचुअल रिकॉर्ड से तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है करेक्ट और आपको बताऊँ फिजिकल वेरिफिकेशन बेहतरीन होता है बहुत घूमने को मिलता है तो आई रिम्बर आर्टिकलशिप में मुंबई में अपनी आर्टिकलशिप चलती थी तो बॉस को मैं बोल करता था सर फिजमे को पता है कि मार्च के आसपास जाना है तो फेब में ही बोल देना सर प्लीज़ याद रखना मैं नागपुर से हूँ तो नागपुर का अगर कोई काउंट आता है तो मुझे भेज देना तो आई रिमेम्बर दो तीन बार हुआ ऐसा क्या टशन में बिल्कुल सुबह की फ़्लाइट से नागपुर आ रहे आधे दिन में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो अटेंड करना था वो काम पूरा कर रहे फिर क्लाइंट की गाड़ी घर पे लेकर जा रही घर वालों से मिल रहे हैं भाई बेटा फ्लाइट से आ रहा है गाड़ी में घूम रहा है फिर वापस शाम को फ्लाइट से वापस जा रहे हैं करेक्ट तो घूमने फिरने को बहुत मिलता है अपने बॉस तो बहुत ही सॉलिड थे लिस्ट रखते थे कितने लोग गए और सबको इंस्ट्रक्शन थे हर जहाँ पर भी जाओगे वहाँ की कोई फेमस चीज़ लाना तो जिसने लाया उसके सामने टिक कुछ अच्छा लाया वहाँ पे स्टार जिसने नहीं लाया, याद रखूँगा अगली बार भेजूंगा इसको झुमरी तक करेक्ट नागपुर संतरे की बातें रहती हर जगह अच्छे मिलते हैं ध्यान देंगे नाउ स्पेशल केस नंबर टू ध्यान दीजिए मुझे बताइए क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट इट इज इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए कोई कब आपको लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है बहुत सारी ब्रांचेस नहीं मैं ये बोल रहा हूं जा ही नहीं पा रहे वी आर नॉट इट इज इम्प्रैक्टिकल हाँ भूकंप आ गया भूकंप आ गया जहां पे भूकंप आ गया वहां पे कुछ नहीं हो रहा वहां पे कैसे जाएंगे लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन लग गया तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने कैसे जाएंगे लोकेशन रिमोट एरिया में है लोकेशन है गढ़चिरौली के जंगलों में जहां पे नक्सलाइट बस गोली मारते रहते बोले कर्फ्यू लग गया है लॉकडाउन लग गया है एजीएम पास में आ गई है ओके डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे सामने वाले कंपनी तैयार नहीं हो रही है सुनामी आ गई आसमान फट गया सुनामी आ गई सब कुछ उसमें डूब गया अर्थ को एक नेचुरल कैलामिटी नेचुरल ब्यूटी भी लिख रहा कोई फ्लड टाइम कंज्यूमिंग फायर लग गई फायर लग गई बोले कंपनी डूब गई चलो बहुत हो बहुत बहुत हो गया ध्यान देंगे ना लिसन ना लिसन यस बहुत बार फिजिकल वेरिफिकेशन इम्प्रैक्टिकल होता है दो मुख्य कारण हो सकते हैं पहला लोकेशन या फिर नेचर ऑफ इन्वेंट्री लोकेशन अगर कोई बोलेगा कि यार इंडिया पार्क बॉर्डर पे हमारा गोडाउन है वहां पे एमिनेशन रखे जाके ग्रेनेड गिन के आ जाए पागल हो गए फिर कोई बोलता गढ़चिलों के जंगलों में वहां पे नक्सल अटैक कर रहे कौन जाएगा भाई या फिर बोले एक काम कर अपने सी के बीच में एक प्लेटफॉर्म है आपको पता है ऑयल जो ड्रिलिंग ऑयल रिग्स होते हैं ऑयल रिग्स बोले वहां पर जाना है कुछ नहीं बोले आते जाते वक्त कभी कभी एक्सीडेंट होते कभी कभी उड़ जाता कोई एक आधा बोले बच के नहीं आ पाता बाकी सब ठीक है पागल हो गया कौन जाएगा अच्छा इन्वेंट्री बोले अरे वो न्यूक्लियर चीज़ें न्यूक्लियर वेस्ट है बस थोड़े से रेडिएशन निकलते हैं उससे क्या होता बोले कुछ नहीं कांटेक्ट में आया तो कैंसर हो जाता बोले फिर छः महीना छ महीना बोले छः महीने में ख़त्म भाई पागल हो गया कभी कभी लोकेशन इतना ख़तरनाक रहता है या फिर इन्वेंट्री इतनी ख़तरनाक होती है कि वहां पे जाना सेफ नहीं है हमारे टाइम पे हमको मुंबई से चेन्नई जाना था सुनामी आई थी वहाँ पर वहाँ पर सुनामी आई थी जब भी ऐसे नेचुरल कैलॉमिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है वहां पे तब तो पेंडेमिक वर्ड इतना फेमस ना एपिडेमिक फैल सकता है आप बीमार पड़ सकते हो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है खून खराबा कुछ भी हो सकता है अपन ने तो बॉस को बोल दिया हम तो नहीं जा रहे हमारी टिकट विकट बनी है लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं आप चलते होंगे हमारे साथ तो हम चलते हैं अल्टीमेटली चेन्नई की टीम को बोला चेन्नई के एक सी को कॉन्टैक्ट किया तुम देख लो बोले हमारी टीम तो नहीं आ रही समटाइम्स इट इज इम्प्रैक्टिकल इट इज इम्प्रैक्टिकल टू गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन इस बात को ऐसे समझता है ऐसे समझता है कि कभी कभी वो डेट पॉसिबल नहीं है ऐसे समझता है इस बात को दैट इट इज इम्प्रैक्टिकल तो बोले क्या करना आइए यह स्पेशल केस टू है यह स्पेशल केस टू है क्या है ये स्पेशल केस टू जब भी आपको ऐसा बताया जाए कि इट इज इम्प्रैक्टिकल आपने सबसे पहले टूट पड़ना चाहिए रीजन पे एज अ ऑडिटर वी शुड गो एंड अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आर द रीजन वाई अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकल आपने उसमें दो चीजों को देखना चाहिए नेचर ऑफ इन्वेंट्री इज इट रियली वेरी हार्मफुल हजार्डस एंड देन उसके बाद में लोकेशन अगर ऐसा लगता है कि थ्रेट्स टू सेफ्टी है सही में थ्रेट टू सेफ्टी है इट इज एक्सेप्टेबल रीजन प्लीज जान वान खतरे में डालने की नहीं है मैंने आपको बोला आदमी ने दूसरों से तभी डरने का तब कोई गोली मारने वाला है जब तक ऐसा नहीं है डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं डरना करेक्ट तुमको लगता है मेरे पास कोई बंदूक है जिससे मैं तुमको गोली मारने वाला हूँ नहीं तो फिर आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं है थ्रेट्स टू सेफ्टी अगर थ्रेट्स टू सेफ्टी है तो ये एक्सेप्टेबल रीजन है सिर्फ इनकन्वीनियंस कौन जाएगा इतने सारे लोकेशन में बहुत ट्रैवल करना पड़ता जनरल इनकन्वीनियंस जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल रीजन फिर कभी कभी पे डीटीसी का प्रॉब्लम है डी टी सी डी टी स्टैंड फॉर डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व यार चाइना में ब्रांच है चाइना जाना है बहुत डिफिकल्ट है टाइम कंज्यूमिंग है कॉस्ट यहां पे काम बहुत सारा पड़ा है यहां पे हम दस दिन वहां पे चले जाएंगे हमारे ऐसे केस में सैंड बोलता है कोई अच्छा ऐसा है क्या देन रिलैक्स थिंक अबाउट इट कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है क्या क्या तुम्हारे पास में कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस हो जो उतना ही भरोसेमंद हो उतना ही परवेसिव उतना ही परसुएसिव हो सॉरी क्या हो

कोई ऑल्टरनेटिव एविडेंस अगर इक्वली है तो फिर आप अवॉइड कर सकते मत जाइए अगर नहीं है तो यू कैन नॉट अवॉइड आपको करना चाहिए जाना ही पड़ेगा टाइम लगता है तो लगने ही दो वंस अगेन फ्रीज कौन सा ऐसे पढ़ रहे सब जगह फाइव जीरो वन पहला फोकस किस पे है इनवेंट्री एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन कितनी स्टेप्स है दो फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड में क्या करना और उसके बाद दो चीजों को मैच करना पहला स्पेशल केस था क्या दूसरे डेट पे पॉसिबल है यस yes! सिर्फ आपको चेंजेस चेक करने पड़ेंगे रिकनसिलेशन बनाना पड़ेगा चेंजेस किससे चेक करेंगे परपेचुअल रिकॉर्ड्स फिर स्पेशल केस नंबर टू दैट इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकल अगर इम्प्रैक्टिकल है सबसे पहले क्या देंगे रीजंस। रीजंस में क्या समझेंगे नेचर ऑफ इन्वेंट्री दूसरा लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री अगर थ्रेट्स टू सेफ्टी है तो एक्सेप्टेबल रीजन है कुछ कर ठीक है भाई एक्सेप्टेबल है जनरल इनकन्वीनियंस नॉट एक्सेप्टेबल फिर बाद में अगर इशू है बहुत बड़ा कौन सा डी मतलब डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट तो क्या देखेंगे कोई ऑल्टरनेटिव एविडेंस है क्या विच इज इक्वली परसुएसी परसुएसी मतलब रिलायबल अगर है तो वी कैन अवॉइड फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इफ नॉट वी कैन नॉट अवॉइड फिजिकल वेरिफिकेशन नो लिसन अब अगर हमको पता चला कि भाई नहीं पॉसिबल नहीं बहुत बार नहीं यार पॉसिबल जान माल का खतरा है नहीं जा सकते अगर ऐसा है कि हम जा नहीं सकते तो हम क्या परफॉर्म करेंगे ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस सुनो ऑडिट प्रोसीजर सॉरी कोई टेक्निकल वर्ड नहीं ऑल्टरनेटिव मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं इसके बदले कुछ और करना पड़ेगा इसके बदले कुछ और करना पड़ेगा, पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आप थोड़ा आराम से बैठ के सोचिए है हमारा स्टॉक है हमारा स्टॉक ठीक है नॉर्थ ईस्ट में पचास करोड़ का स्टॉक रखा हुआ है और वहाँ पे अभी सही में हालत सिचुएशन ठीक भी नहीं थी चाइना से बहुत क्लोज है नॉर्थ ईस्ट जम के चाइना पैसा भेजता है जम के पैसा भेजता है और जितना आतंक मचा सकता है जितनी अनस्टेबिलिटी ला सकता है वो रीजन में वो लाता है उनका पूरा मुद्दा ही वो है कि वो कट करना चाहते हैं उतने पोर्शन को और ये सब होता है इतिहास में पचास सौ साल में रीजन के रीजन गायब हो जाते रीजन के रीजन गायब हो जाते देश के देश काट डालते अपने साथ हुआ ही है पीओके, के इट हैज़ हैपन विद अस इट यूज़ टू बी ठीक है इट यूज़ टू बी आवर पार्ट लेकिन बीच में हमको धोखा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी का मिलने के लिए और जब वो मिल रहे थे ये लोग अटैक की तैयारी कर रहे थे और हमसे पी के ले लिया गया तो बहुत सारी चीज चलती तो वहां पर खतरा है वहां नहीं जा सकते अब आपका वहां पे जो पचास करोड़ का स्टॉक है आप यहां बैठे हो मुंबई में और आपको वो चेक करना है आप मुझे बताइए कि आप कैसे सही में पचास करोड़ का स्टॉक है कि नहीं वहां पे ये कैसे चेक कर सकते हो आप मैडम बोल रहे हैं कि वहां पे वीडियो कैमरास होंगे ड्रोन होंगे तो कैमरा वहां से लाइव फीड मिल सकती है फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं बिल्कुल ये नया तरीका है ऑडिट करने का डिजिटल तरीका है ऑडिट करने का इज वेरी मच पॉसिबल ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस होगा नोट्स में मैंने लिखा नहीं है ऐसे में भी नहीं है ये बट लेकिन बिल्कुल सही है और पिछले साल के डेटा आप एक चीज़ बहुत अच्छा बोला कि हमको इतिहास पता है कि इस ब्रांच में ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज यहां पर 20 करोड़ का स्टॉक हुआ करता था और अब अचानक पचास करोड़ का स्टॉक है मतलब दाल में कुछ काला है या फिर ऐसा लग रहा है नहीं पचास करोड़ तो हमेशा ही था पिछले तीन साल का डेटा उठा लो पचास के आसपास है है मतलब नॉर्मल लग रहा है। पिछले सालों से जब कंपेयर करते कौन सा प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं जा पा रहे ना कोई बात नहीं पिछले साल का डेटा उठाओ उसके मैच होता कि नहीं होता ये क्या है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अरे क्या है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर तो किसी ने बोला इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करो ठीक है अच्छी बात है किसी ने बोला पिछला साल यूज करो और चेड़े 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 चेड़े। हा डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं मतलब क्या अगर स्टॉक वहां पहुंचा है तो पहुंचने के डॉक्यूमेंट देखो पहुंचने के डॉक्यूमेंट देखो और अगर वहां से स्टॉक बिका है तो सेल्स डॉक्यूमेंट देखो अगर आपको दिख रहा है कि परचेस डॉक्यूमेंट बराबर पचास करोड़ के परचेस डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं मतलब सही में स्टॉक आया होगा बिकने के डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं मतलब स्टॉक बिका होगा और इंटरनल ऑडिटर वहां पे कोई इंटरनल ऑडिटर होगा उसकी रिपोर्ट होगी उसके अंदर कितना स्टॉक लिखा है वो देख लो ये सब आपके लिए क्या है और ये सब क्या है ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस अरे क्या है साहब ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस आइए ध्यान दीजिए हम लोगों ने मेरे दिमाग में सबसे पहले प्रीवियस सर आता है तो मैंने बोला पिछले साल से कंपेयर कर लो से कंपेयर कर लो प्रीवियस ईयर फिर मुझे सबसे आसान लगता है डॉक्यूमेंट्स आप देख लो अगर सही में स्टॉक असली है तो हमको परचेज डॉक्यूमेंट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए अगर सही में स्टॉक असली है तो सब्सिक्वेंट सेल के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए देखो पहले पिछला साल आता है पिछले साल से डेटा मैच होना चाहिए अगर सही में असली है तो परचेज डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए सही में असली है तो सब्सिक्वेंट सेल के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए साल के क्वार्टर एंड या साल के एंड में इंटरलॉइट रिपोर्ट बनती है तो वो रिपोर्ट दिखनी चाहिए ये सब हमारे लिए क्या है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है हमारे लिए ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पहले किसके बारे में सोचा पिछला साल किसके बारे में पिछला साल फिर स्टॉक आया तो परचेस रिकॉर्ड्स बाद में गए तो सेल्स रिकॉर्ड साल के एंड में क्या बनता है ऑडिट रिपोर्ट देखो सीक्वेंस में लिखा है ये सब क्या है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर देखो ऐसे बोलो ना कॉमन सेंस है कि अगर इम्प्रैक्टिकल है और जस्टिफाइड तो क्या लगाओ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जाके नहीं कर पा रहे हो ना अटेंड जाके नहीं कर पा रहे हो अटेंड क्या करो अरे क्या करो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर समझ रहे क्या अगर आप सोचो आप डेट पे नहीं जा पा रहे हो आप डेट पे नहीं जा पा रहे हो आप आपने सोचा था कोई बोल रहा क्यों मैं तो जाऊंगी क्यों नहीं आप तो आपको कभी कभी सोचना पड़ता है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर सोचोगे क्या सर पागल है क्या सर एक तो कभी भाव देता नहीं बोले किसने भाव दिया और मैंने क्या यूज कर लिया ऑल्टरनेटिव गई भैंस पानी में किसी और को भेज देंगे ध्यान देंगे ना लिसन सुनिए अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डजेंट गिव हमने बहुत कोशिश की मैनेजमेंट निकम्मा निकला बोले नई ब्रांच है पिछले साल का डाटा नहीं, नहीं।, है उस ब्रांच में कोई इंटरलॉइंटर भी नहीं है रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन्ड नहीं है ना पिछले साल का डाटा है ना रिकॉर्ड्स है ना इंटरलॉइटर हमारे पास में क्या नहीं है ऑल्टरनेटिव कोई एविडेंस नहीं है सबूत की कमी है पहली बार आप ये महसूस करोगे सबूत की कमी है डजेंट गिव सफिशियन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमारे पास में सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है इफ़ नॉट पॉसिबल टू गिव सफिशियंट अप्रोप्रेट ऑइट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री हमको ओपिनियन में लिखना पड़ेगा मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन क्या करना पड़ेगा मॉडिफाई oh. ओपिनियन में लिखना पड़ेगा माननीय महोदय हम लोग इन्वेंट्री के ऊपर जो पचास करोड़ की इन्वेंट्री है उसके ऊपर हम ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं अब यह मॉडिफाइड ओपिन क्या होता है इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे चलो क्विकली कौन सा ऐसे पांच सौ एक कौन सा पार्ट है पार्ट वन किसके ऊपर है इन्वेंट्री किसके ऊपर है वो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री पहला स्पेशल केस था उस डेट पे फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना पॉसिबल नहीं है किस पे जाओ ऑल्टरनेटिव डेट पे जाओ दूसरा स्पेशल केस इट इज इम्प्रैक्टिकल अब आपके दिमाग में जगह बननी चाहिए पहले किस पे बात करेंगे रीजनस रीजन Reason में क्या आता है नेचर एंड लोकेशन अगर थ्रेट टू सेफ्टी है तो एक्सेप्टेबल जनरल इनकन्वीनियंस है तो नॉट एक्सेप्टेबल अगर डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट है तो ऑल्टरनेट एविडेंस है क्या इक्वली अरे इक्वली परसुएसिव है तो अवॉइड करो नहीं तो अवॉइड कर नहीं सकते अगर इम है तो किसके लिए जाओ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स पहले किसके बारे में सोचो पिछला साल फिर किसके बारे में परचेस रिकॉर्ड फिर सेल्स रिकॉर्ड साल के एंड में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको सफिशन अप्रोपरियट एविडेंस ना मिल पाए सफिशियन अप्रोपरियट एविडेंस ना मिल पाए तो यू शुड गो फॉर मॉडिफाइंग ओपिनियन नाउ लिसन अब ये मॉडिफाई ओपिन क्या होता है पहली बार आया इसको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आइए लिखिए टाइप्स ऑफ ओपिनियन टाइप्स ऑफ ओपिनियन जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है अनमोडि कर देते हैं वो क्या हो जाता है मॉडिफाइड क्या बात है तुम लोग इतने जो उच्च विचार होते हैं ना एकदम इनका सरस्वती माता इनको सब कुछ आता हाँ, कोई मैं? बोल था था। हाँ बोलो बोलो मैंने बोलो, बोलो, बोलो। जैसा है वैसा अन मॉडिफाइड हटा देंगे तो मॉडिफाइड यस सर अन मॉडिफाइड मतलब पूरा क्लियर है कुछ तो गलती है Sir, okay. तो रेंदे यार, नहीं रह ऐसा मत कर ओके ओके हाँ मैं समझ में है लेकिन <laughs> लेकिन मैं समझना नहीं चाहता <laughs> क्योंकि तू एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जीवन में ओके okay. लिसन ध्यान देंगे लिसन ध्यान दीजिए आप ऑडिट करने गए और आपको भर भर के एविडेंस मिला दिल खुश हो गया आंसू आने लगे आपके, खुशी के आंसू आपको भर भर के एविडेंस मिला आपको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट आपको अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला अरे रे, अरे सफिशियंट अप्रोप्रियट एविडेंस आपको मिल गया ऑडिट एविडेंस अगर ऐसा है सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया और सबूत मिलने के बाद सारे जितने भी मटेरियल आइटम्स थे मटेरियल इनकम एक्सपेंस एसेट लाइब्रिटी रैंडम सिलेक्टेड भर भर के सबूत मिले कहीं पर भी कोई कमी नहीं है फाइल लबा लब फाइलें भरी पड़ी है ठीक है और आपने जब हर एविडेंस को और फाइनेंशियल आइटम को मैच किया नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई ग, बड़ी गलती नहीं है कोई किसी प्रकार की बड़ी गलती नहीं है क्या बात है एकदम खुशी के आंसू प्रफुल्लित मन है जितना चाहते थे उतना एविडेंस मिल चुका है कोई गलती नहीं है तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में हम जाके हमारी जो स्टैंडर्ड वर्डिंग्स होती है स्टैंडर्ड वर्डिंग्स जाके बोल देते हैं इस इसमें हम लोग अन मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं इसी को बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन और इसी को हम लोग बोलते हैं Clean opinion, बहुत ही बढ़िया लड़का है या बहुत ही बढ़िया लड़की है एज द केस में भी शादी के लिए हाँ बोल दो तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू तो सब सही है वो होता है अन जब हमको हमारी स्टैंडर्ड वर्डिंग्स बदलने की जरूरत नहीं है हमारी स्टैंडर्ड वर्डिंग्स है give, true and fair view. अगर हमको बदलने की जरूरत नहीं है तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं अन मॉडिफाइड ओपिनियन इसी को बोलते हैं क्लीन ओपिनियन इसी को क्या बोलते हैं अनक्वालिफाइड इसको अनक्वालिफाइड क्यों बोलते जबकि तो इसको कौन मुझे जवाब देगा वाई इट इज कॉल्ड अन जब सब कुछ सही है जब सब कुछ सही है तो उसको अनक्वालिफाइड क्यों बोलते हैं कोमल बोल रही है अन मतलब अनअल्टर्ड ठीक है कौन मुझे बताएगा यस सर मॉडिफिकेशन करने कोई जरूरत नहीं है तो उसको अन un... देखो जनरली हमने बचपन से पढ़ रहे कुछ अच्छा रहता तो वो क्वालिफाइड रहता कुछ बुरा है तो वो अनक्वालिफाइड है लेकिन जो अच्छा है उसको जो अच्छा ओपिनियन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनक्वालिफाइड, ऐसा क्यों ध्यान दे। तू देख नींबू पानी पी के आया कर ठीक है हाँ, है कुछ भी अभी क्या बोल रहा था आदमी इंटरनल ऑडिटर जो काम करे वो अनमोडिफाइड एक्सटर्नल जो करे वो मॉडिफाइड मेरे कौन से भिलने लगे बोले रह हाँ आप ही वो हाँ बोले ओके चेक करे इसलिए क्वालिफाइड चेक नहीं करे मतलब अनक्वालिफाइड ये बने बिना चेक किया हमने ऐसा कर दिया देख मैं ऐसे मजे ले रहा हूं मैं <laughs> कुछ क्या हो रही है <laughs> इम प्रैक्टिकल भाई मेरे को तो पूरा सिचुएशन ही इम्प्रैक्टिकल, <laughs> कोई बात नहीं कोई, ठीक है उधर हाँ परफेक्ट बैंग ऑन टारगेट बराबर एकदम बैंग ऑन टारगेट था गलत गलत होने से वो अनक्वालिफाइड है गलत नहीं है ओके okay. चलो ठीक है इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज जैसा बोला एकदम परफेक्ट क्वालिफाइड ये जो क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो वर्ड है इसका और एक मतलब होता है कंडीशंस क्या वर्ड है मतलब इसका है कंडीशन अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी शर्त के नो इफ नो बट नथिंग बिना किसी शर्त के बिना किसी कंडीशन के खुले मन से खुले दिल से मैं बोलना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सर के मुंह से आई लव यू निकल रहा था मैं बोलना चाहता हूँ अच्छा रहा तो और मैंने बहुत आई लव यू बोले बराबर ओके okay, ध्यान दो आज भी बोलता हूं बराबर किसको अब तुम सोचो किसको बोलता हूं निसन <laughs> ध्यान देंगे Now listen. Unqualified मतलब बिना किसी कंडीशन के बिना किसी शर्त के बिना किसी चीज के मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहता हूं ट्रू एंड फेयर व्यू ठीक है इसका और मतलब अपने को समझ में आएगा अभी अब सुनो हम मॉडिफाई कब करते अब ये देख लो एक बार अच्छे से अभी लिखना मत कुछ डोंट राइट एनीथिंग मॉडिफाई कब करते सुन लो ध्यान दीजिए हम ऑडिट करने गए और हमको भारी सबूत की कमी होगी वी आर नॉट गेटिंग सफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस ऐसा हो सकता है कि ऑडिट करने गए लेकिन वहां पे नो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या फिर हमको सबूत तो मिले और जब हमने उसको मैच किया फाइनेंशियल आइटम से तो हमको मिले मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमको कभी कभी हमारे स्टैंडर्ड वर्डिंग्स में बदलाव आना पड़ता है गाली मारनी पड़ती है बुरा बोलना पड़ता है गलत बोलना पड़ता है धुतकारना पड़ता है फटकारना पड़ता है उसके दो रीज़न हो सकते हैं या तो हमको क्या नहीं मिला सबूत नहीं मिले हम फाइनेंशियल आइटम के हमको सबूत नहीं मिले नॉट एबल टू गेट सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या फिर क्या मिल रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट अब देखो क्या लिसन अगर ये दिक्कतें अगर ये दिक्कतें है ठीक है लेकिन ये दिक्कतें नॉट परवेसिव परसुएसिव नहीं अलग वर्ड है कौन सा परवेसिव सुन लो परवेसिव मतलब इज इट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल परवेसिव मतलब जो हर जगह फैला हुआ है अरे जो हर जगह फैला हुआ है मैं बोल रहा हूं नॉट परवेसिव नॉट परवेसिव मतलब गलती है दिक्कत है गलती है सबूत की कमी है गलती है नॉट परवेसिव मतलब फैला हुआ नहीं है हर जगह इट इज नॉट परवेसिव दैट इट इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम्पल दे रो सिर्फ इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है दो करोड़ से बाकी सब सही है डेप्रिसिएशन एक करोड़ से चार्ज नहीं किया बाकी सब ठीक है गलती से लॉटरी इनकम को सेल्स में डाल दिया पचास लाख बाकी सब सही है गलती दिक्कत है गलतियां है प्रॉब्लम है लेकिन नॉट परवेसिव फैली हुई नहीं है नॉट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट का मतलब क्या है नॉट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं कौन सा ओपेन देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिन मतलब क्या एक्सेप्ट एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ या फिर वर्डिंग होती है सब्जेक्ट टू बस इन्वेंट्री को छोड़ दो बाकी सब सही है बस डेप्रिशन को छोड़ दो बाकी सब सही है बस सेल्स में एक गलती है बाकी सब सही है एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ सो सब्जेक्ट टू सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू सुनो ये मैंने कंडीशनल ओपिनियन दिया कैसा ओपिनियन दिया कंडीशनल बस एक दो चीजों को छोड़ दो बस एक दो चीजों को छोड़ दो बाकी सब सही है अरे समझ में आया क्या सबूत की कमी है बस बोले एक गोडाउन में जाने नहीं दिया उन्होंने जहां पे दो करोड़ का माल रखा हुआ था सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस के डिटेल नहीं दिए बाकी सब सही है अगर सबूत की कमी इक्का दुक्का जगह पे अगर सबूत की कमी इक्का दुक्का का जगह पर अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट इक्का दुक्का जगह पे तो हम बोलते यार कंडीशनल ओपिनियन दे दे एक्सेप्ट सो एंड सो बाकी सब सही है अरे समझ रहे क्या यस yes, नो no. yes, लड़का देखने गए बोले अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है परिवार भी अच्छा है फ्यूचर भी अच्छा है सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है शॉर्ट टेम्पर्ड बोले कुछ होता नहीं टेम्पर ऐसे टेम्पर ऐसा जाता है और फिर ऐसे नीचे आ जाता है सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है बोले सब सही है सिर्फ बाल नहीं बोले सामने के <laughs> कोई बात नहीं बिठा देंगे लगवा देंगे करेक्ट बाकी सब सही है एक साल कर दो शादी और सगाई के बीच में गैप एक साल में उगा देंगे आजकल तो हो ही जाता है ठीक है क्या बोला अगर हेयर प्लांटेशन हो ही जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है करेक्ट ध्यान देंगे अरे उछलो नहीं रहे ज्यादा ना लिसन ध्यान देंगे ना लेकिन अगर सबूत की कमी परवेसिव हो गई क्या हो गए परवेसिव ऑडिट करने गए भाई साहब मेजॉरिटी रिकॉर्ड्स गायब है क्योंकि इनकम टैक्स की रेड हो गई इनकम टैक्स की रेड हो गई मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए और कंपनी के पास में कुछ भी नहीं है आग लगी थी सब जल गया उनके पास कुछ भी नहीं है वायरस अटैक हुआ था वायरस अटैक हुआ था उनके पास कुछ भी नहीं है अगर ऐसा है कि बहुत सारा सबूत गायब हो चुका है मेजॉरिटी मेरे पास में कोई सबूत नहीं है अगर मेजॉरिटी कोई सबूत नहीं है ठीक है तो ऐसे केस में हम हाथ खड़े कर देते हैं वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लेमर क्या करेंगे डिस्क्लेमर अगर ऐसा हुआ परवेसिव है तो हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करते हैं डिस्क्लेम करना मतलब मना कर देना ओपिनियन नहीं देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वहां पे हम बोलते हैं नॉट एबल टू फॉर्म हम ओपिनियन नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन हम ओपिनियन नहीं बना पा लोग कुछ अलग ही मजा आते मैं यहां पे क्या बोल रहा क्या समझते ही है? ये वो बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा रिसर्च ज्यादा करते हैं ना लिसन ये भी देख लो एक बार उसके बाद लिखना अगर गलतियां है अगर क्या है गलतियां और गलतियां भर भर के हैं। गलतियां भर भर के अरे ये सबको समझा क्या मेजोरिटी चीज के लिए सबूत नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे डिस्क्लेमर वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है अब गलतियां बहुत है बस बोले फिक्स गलत है इन्वेस्टमेंट गलत है इन्वेंट्री गलत है डेटर गलत है करंट लाइबिलिटी प्रोविजन गलत है थोड़ा सा सेल गलत है थोड़ा सा परचेस गलत है थोड़ा सा एडमिन एक्सपेंस सेल्स एक्सपेंस गलत है नोट्स टू तो अकाउंट्स में चार पांच ऐसे और गलत है बाकी सब सही है बचा क्या है अगर ऐसा है फॉर्मेट बचा बोले सिर्फ अगर ऐसा है कि मेजोरिटी चीज़ें गलत है तो हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं कौन सा ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजेंट गिव ठीक एंड फेयर व्यू हमारा नाम क्या सर? अनिकेत।, अनिकेत तो अनिकेत हमारा होनहार बुद्धिमान शक्तिमान तो हर किसी का दिन आता है तो अनिकेत का भी आया <laughs> तो थोड़ी छानबीन शुरू हुई अनिकेत की तो बोले सोशल मीडिया अकाउंट तो ऐसा है देखा नहीं जाता बोले रिलेशनशिप स्टेटस बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड हुआ बहुत चेंज हुआ सिंगल कमिटेड फोटो तो ऐसे बोले कितनों से मिलता है और क्या क्या करता है समझ में नहीं आ रहा बोले हर हफ्ते कोई नया दिखता है तो फिर और बोले सोसाइटी में बहुत फेमस है क्योंकि रात को किसी भी घर के बाहर पड़ा रहता बोले भले <laughs> बस बस बोले इतनी तारीफ काफी है बोले रोज का आना जाना है पुलिस वालों का लोग मरे जा रहे हैं इतनी उधारी है तो बोले ऐसा बंदा बोले अगर गलती से आपकी बेटी को मिल गया तो जिंदगी बोले नरक है दूर रहो मतलब ये जहां पर भी दिखा उससे दो किलोमीटर दूर रहना चाहिए बोले। तो कौन सा ओपिनियन है एडवर्स। ठीक है नहीं नहीं अनिकेत बहुत अच्छा बच्चा है बराबर मेरे को फोन आते मेरे को फोन आते भाई ये इसने सी किया है ठीक है नागपुर से सी किया है तो मैं जन्म कुंडली लेकर बैठा हूँ क्लास में कैसे दिखते थे उतना बता सकता हूँ क्लास की बात क्या तो वो मैं क्या बता सकता हूँ करेक्ट नाउ तो आनी के तेरे लिए फोन आएगा तो बोलूंगा अच्छा लड़का था ऐसा कुछ था नहीं बराबर नाउ क्लास में अच्छा लड़का था भाई ओके ना लिसन क्विकली फटाफट आप ऑडिट करने गए और आपको क्या मिला सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर ऑल आइटम्स और आपको क्या नहीं मिला नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कौन सा ओपिन देंगे अनमोडिफाइड इसी को क्या बोलते हैं अनकालीफाइड इसी को क्या बोलते हैं क्लीन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू लेकिन दो कारण हो सकते मॉडिफाई करने या तो सबूत की कमी नो सफिशंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस या फिर मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर ये दिक्कतें इक्का दुख आइटम में है माना इक्का दुख आइटम में बड़ी प्रॉब्लम लेकिन इक्का दुख आइटम में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैली नहीं है नॉट परवेसिव कौन सा देंगे क्वालिफाइड एक्सेप्ट सो सो एंड बाकी सब ठीक है सब्जेक्ट टू सो सो एंड बाकी सब ठीक है सबूत की कमी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है तो कौन सा देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और अगर गलतियां पूरे फाइनेंशियल में फैली है तो क्या करेंगे एडवर्स ओपिनियन लिख लिया आप लोगों ने किसी के मन में कोई बात है पूछ लीजिए ले दिया लेकर ढूंढोगे तो भी ऐसा नहीं मिलेगा बोले एक बार पूरा स्क्रिबल दिखा दो बोले डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर क्वालिफाइड इंग्लिश में और एक मतलब है क्वालिफाइड का क्वालिफिकेशन का कंडीशन अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल प्यार है ठीक है अनकालिफाइड मतलब अनकंडीशनल लिख दो वहां पे, अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के एमएमएसटी मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट एमएमएसटी मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट फिर उसके बाद आपका नो एस ए मतलब नो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिख लो थोड़ा सा टाइम लगेगा लिख लो फोटो मत लो लिख लो ठीक है ऊपर लो सर दिख नहीं रहा दोनों परवेसिव क्यों लिखे सर आपने दिक्कतें या तो नॉट परवेसिव होगी या तो परवेसिव होगी पहला वाला परवेसिव नो सफिशियंट अप्रोप्रियट एविडेंस के लिए दूसरा दूसरा वाला मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए है ऐसा एकदम इतना नेक टू नेक कंपेयर मत करो दोनों परवेसिव में क्या फर्क है ये खतरनाक गया कंपेरिजन एक इट इज फॉर सफिशियंट अप्रोपरेट एविडेंस एक इज फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंपनी का कंपनी का गोडाउन और वेयर हाउस ऐसे रिस्की जगह पे कैसे रह सकता है मैडम उनका काम ही हथियारों का है आर्म्स एम्यूनिशन का है आर्मी को सप्लाई करने का है तो वो रहेगा एलओसी में एलओसी के पास में बिल्कुल हो सकता है कुछ लोग के प्लांट वहाँ पे है माइन्स वहाँ पे है माइन्स वहाँ पर है तो बिल्कुल हो सकता है तो लोकेशन खतरनाक बिल्कुल हो सकता है इट्स वेरी मच पॉसिबल जमीनी वहां पे ओनर की क्या करेंगे और है ना आपको पता है सी में आप पास हो इंटरव्यू में आप जाओगे कैंपस में आपको पैकेज लग सकता है अस्सी लाख रुपए का डेढ़ करोड़ रुपए का ओनम इंटरनेशनल एक कंपनी है हर साल आके साठ लाख अस्सी लाख एक करोड़ डेढ़ करोड़ देती है पहला स्टार्टिंग सैलरी आपको सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में जाना पड़ता है उनकी माइंस है वहाँ पर वहाँ जाना पड़ता है और अग्रीमेंट में बाकायदा लिखा हुआ रहता है ज़्यादा उछलने का नहीं ज़्यादा उछलने का नहीं और लिखा होता है चार बार छुड़ाएंगे पांचवी बार अगर तेरे को किसी वहाँ के वहाँ के जो गुंडे उंडे हैं उन्होंने पकड़ा कितने बार छुड़ाएंगे चार पांचवी बार बोले तुम गए तो जाओगे क्या तुम यस yes, नो no? Yes, no? yes, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? नहीं नहीं बोलने की बात नहीं सही बोल रहे हो सिर्फ उछलना नहीं क्योंकि मैंने तो बहुत सुना हुआ भी एक खाता गया भी है सीए नहीं गया कोई और बिजनेसमैन था ठीक है और केनिया में वहां पे उसने पंगा लिया खत्म लेकिन आप बिल्कुल जा सकते हैं पूरा का पूरा पैसा सेविंग होती है रहना खाना पीना वही देते हैं साथ में सिक्योरिटी भी रहती है सिर्फ थोड़े से रिस्ट्रिक्शन रहेंगे घूमना फिरना आपका थोड़ा कम रहेगा दो साल रहने का तीन करोड़ रुपए कमाने का उसके इंटरेस्ट के बराबर फिर यहाँ पे आके तुमको और करना कुछ और करने का देखो वहाँ पे जाके सपोज किसी ने पांच करोड़ कमाए पाँच करोड़ कमाए और उसके ऊपर दस परसेंट इंटरेस्ट आपको साल का मिल रहा है मतलब 50 लाख रुपए साल के किसमें आपके इंटरेस्ट इनकम फिर उसके बाद में अगर आपने जॉब किया और उसकी सैलरी कम भी रही एक बार आपका कैपिटल बन गया सबसे इंटेलिजेंट आदमी वो है जो एक बार कैपिटल खड़ा कर देता है तो फिर कमाने वाले दो लोग हो जाते हैं एक आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरा आप खुद तो आपने ना इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए ऐसा कुछ बिल्कुल करना चाहिए लेकिन डेफिनेटली वहां पे हाँ जान मतलब फालतूगिरी करोगे उछलोगे तो फिर जाओगे ठीक है तुम एकदम ऐसे उचकने वालों में से होंगे काड़ी लोगों में से होंगे तो नहीं जाने का वहां जाके काड़ी किया तो वापस नहीं आता आदमी ना यहां पे वही लिखा है अगर सबूत की कमी हो गई सबूत की कमी हो गई तो क्या करना पड़ेगा मॉडिफाई अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है सिचुएशन पे या तो एक, छोटा मोटा दिक्कत है तो क्वालिफा सबूत की कमी बहुत ज्यादा है तो डिस्क्लेमर लेट्स फ्रीज गाइस स्पेशल केस नंबर टू पहले किस पे फोकस करेंगे रीजन अरे किस पे फोकस करेंगे रीजन रीजन Reason में नेचर ऑफ इन्वेंट्री फिर उसका लोकेशन अगर थ्रेड टू सेफ्टी है तो एक्सेप्टेबल जनरल इनकन्वीनियंस है नॉट एक्सेप्टेबल डी है तो अल्टरनेट एविडेंस है क्या है तो वी कैन अवॉइड नहीं है तो वी कैन नॉट अवॉइड सेकंड फिर बाजू में किस पे फोकस जाएगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर उसके बाद बाजू में ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आपको एविडेंस नहीं मिला तो क्या करोगे मॉडिफाई द ओपिनियन एक एसे सेवन जीरो फाइव मैंने आपको बताया सात सौ सीरीज किसके लिए रिपोर्टिंग सात सौ सीरीज किसके लिए रिपोर्टिंग सात सौ बताता है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सात सौ बताता है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सात सौ पांच बताता है टाइप्स ऑफ ओपिनियन आगे देखेंगे No. चलो एक फटाफट सुना डस यू समझे ही नहीं कुछ लोग ये बहुत लेट समझा इसलिए ओके तो प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं आप लोग हाँ सर रोज तो मिलता हो प्रियंका से ये अनिकेत तो कैसे समझेगा करे तो प्रियंका चोपड़ा शादी करके यूएस जाती है। शादी करके यूएस जाती इतना जबरदस्त उसका वेलकम होता सब उसके परिवार ससुराल वाले बहुत खुश है बहुत बढ़िया वेलकम है सबसे बहुत हसी हसी खुशी सबसे मिल रही है सब कुछ है लेकिन जो सासू माँ है सासू माँ के साथ में कोई सेटिंग बराबर नहीं है भाई एक बार मिली गाली गलोच हो गया दूसरे बार एकदम हाथापाई पे आ गए तीसरे बार वो ऐसे हेलमेट वेलमेट पहन के मिल रहे तो सब सारा सब सही चल रहा है लेकिन सासू माँ जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ी है, तो ऐसा प्रियंका श्रीधर ऐसा प्रियंका चोपड़ा के साथ क्यों हो रहा मला थी है माला फतः प्रियंका माईती है ता, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है बेचारी के साथ इंडिया की बेटी यूएस की बहू ऐसा क्यों हो रहा है वाई इज दैट हां चोपड़ी है वो <laughs> चोपड़ी मतलब क्या होता है चलो मैं बता रहा हूँ कमजोर दिल वाले खुद को संभाल लेंगे क्योंकि बहुत जोर से लगेगा बहुत जोर से देखो वो कुछ लोग अपने ऐसे कान वान बंद करके बोले मरेंगे अभी अपन अपन सब मरेंगे बोले ऐसा तो होना ही दिस वॉज बाउंड टू हैपन ऐसा होना ही था क्योंकि पहले दिन से निकम्मी 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 बोल रही तो ऐसा तो होना ही था कुछ लोगों को हवाई नहीं लग रही है कुछ लोग सुन हो गए कुछ लोग ऐसे क्या बोला प्रियंका के हस्बैंड का नाम नेक। वो उसको निकम्मी बहरगर तो कैसे क्या क्या बोल रही है गाली दे देरी पैदिन से तो मार तो खानी थी बच्चे से शादी की तेर से ओके <laughs> कोई बात नहीं कुछ लोगों को कुछ लोग बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा ऐसे एक दो और सुने दो चलो ध्यान देंगे कम बैक मैडम आत्महत्या नहीं करेंगे इट्स ओके है ना फटाफट ध्यान देंगे ना हो क्या ऐसा हो सकता है कंपनी का स्टॉक दूसरों के पास हो इज पॉसिबल कि कंपनी का अपना स्टॉक दूसरों के पास हो बताओ किस, -किस के पास हो सकता है एजेंट कंसाइनमेंट में माल भेजा है वो बेचने के लिए एजेंट्स के पास माल बचा है और ब्रांच ब्रारा। ब्रारा। तो अपना ही है ठीक है एजेंट ब्रांच तो अपनी है ट्रांसपोर्टर के पास माल पड़ा है एजेंट के पास माल पड़ा है फिर ट्रांसपोर्टर फिर सेल्स ऑन अप्रूवल या सेल्स ऑन रिटर्न सेल्स ऑन अप्रूवल सबको समझता है क्या माल हमने भेजा है पसंद आया तो वो रखेगा नहीं तो वापस कर देगा सेल्स ऑन अप्रूवल बचपन में बहुत पढ़ाऊंगा टाइम खत्म हो गया तो सेल हो जाता है ठीक है उसने हाँ बोला तो सेल हो जाता है और हाँ गुणाल क्या बोल है क्या बोल रहा है भाई कोई बात नहीं हाँ लीज पे दिया ओके okay. वो फिक्स एसेट होगा नॉट स्टॉक हा क्या प्लेज बिल्कुल सही प्लेज अगर अपन ने कहीं से उधार लिया और बदले में स्टॉक बैंक को दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया तो वो क्या हो गया प्लेज ध्यान देंगे ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि स्टॉक थोड़ा सोच के देखिए आपने स्टॉक खरीदा आप स्टॉक खरीद रहे आपका स्टॉक एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास है कस्टम ऑफिसर्स के पास है कस्टम वालों के पास है वो दूसरों के पास है आप प्रोसेसिंग करने के लिए जॉब वर्क के लिए भेज सकते हैं यस yes, नो no? yes. आप जॉब वर्क के लिए किसी और को भेज सकते हो yes. तो उसके पास पड़ा हो सकता है आपके गोडाउन में जगह नहीं है तो किसी दूसरे के गोडाउन में आपने भेजा है ऐसा हो सकता है ट्रांसपोर्टर के पास है ऐसा हो सकता है सेल्स एंड अप्रूवल कस्टमर के पास है ऐसा हो सकता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्टॉक आपका है ओनरशिप आपके मालिक आप हो लेकिन करोड़ों का स्टॉक कंपनी के बाहर दूसरों के पास रखा हुआ है आप कैसे चेक करोगे कि स्टॉक बराबर है कि नहीं है हाउ विल यू चेक इट एक जवाब आया एक्सटर्नल कंफर्मेशन जिसके पास भी है उसको बोलो कि लेटरेड पे लिख कर देगा कि मेरे पास कंपनी के ये, ये स्टॉक है ये डिस्क्रिप्शन है इतनी क्वांटिटी है इतना वैल्यू है मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं सबसे आसान क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन और कैसे चेक कर सकते हो अकाउंट सेल्स वगैरह बनता है डॉक्यूमेंट्स देखिए अगर किसी के पास स्टॉक रखा है तो जाने के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए वहां से वापस आने के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए और अगर प्लेज में दिया है किसमें दिया है प्लेज तो लोन का अग्रीमेंट दिखना चाहिए ओके ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन से ऑडिटर की रिपोर्ट अच्छा सामने वाले का इंटर ऑडिटर सामने वाले का इंटरलॉटर ओके okay. और फिजिकली वहां जाओ जाओ जाकर थर्ड पार्टी के गोडाउन में जाओ थर्ड पार्टी के लोकेशन में जाओ बता कहां पे स्टॉक देखना चाहता हूं मैं सुनिए दो एक्सट्रीम्स है पहले वापस अगर आपको याद आ रहा है इसके पहले के ऐसे में दो एक्सट्रीम थे याद आ रहा है क्या अपन ने बोला या तो आप 100 परसेंट सिलेक्शन कर लो या फिर अकड़ बकड़ कर लो यहां पे दो एक्सट्रीम है देखो याद रखने के तरीके सबसे आसान अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ सामने वाले को बोलना एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे क्या दे एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखो आपको सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में करोड़ों का स्टॉक बाहर रहेगा तो आपने थर्ड पार्टी से क्या मांगना चाहिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्लीज कंफर्म सबसे और सबसे ज्यादा मेहनत होती है तुम खुद जाओ और खुद जाके काउंटिंग करो तुम खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करो तुम खुद जाके इंस्पेक्शन करो लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारी प्रोसीजर्स आती है वो होती है अदर ऑडिट प्रोसीजर कौन से अदर ऑडिट प्रोसीजर ध्यान देंगे फॉर मटेरियल इन्वेंट्री अगर मटेरियल इन्वेंट्री है बहुत सारी इन्वेंट्री है सबसे आसान है कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड कंडीशन एक ऐसे 505 है इसके बाद आने वाला है वो हमको बताता है कि एक्सट्रा कंफर्मेशन कैसे लेना सबसे ज्यादा मुश्किल है परफॉर्म इंस्पेक्शन तुम खुद जाओ और खुद जाके इंस्पेक्शन करो खुद जाके काउंटिंग करो और इन दोनों के बीच में है अदर ऑडिट प्रोसीजर अगर स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है अगर स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है देखो गाइज पैराग्राफ पे पैराग्राफ पढ़ने से बहुत अच्छा है बहुत प्यारा चार्ट और उसमें फ्लो है कोई और ऐसे ही याद रखना पड़ता है कि सबसे आसान सबसे मुश्किल और बीच में क्या आपके पास में अदर ऑडिट प्रोसे डिपेंडिंग ऑन सरकमस्टांसिस इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी सुनो अगर वो थर्ड पार्टी बहुत नोटोरियस है पूरे मार्केट में नाम खराब है कि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं ये बहुत झूठा आदमी है ना मारना बहुत ही ज़्यादा गलत डॉक्यूमेंट्स है चोरी करता है और बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है तो हम लोगों को ऑडिट प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और हमको पता चलता है राजा हरिश्चंद्र का दूसरा रूप है ये तो हमको ऑडिट प्रोसेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी लेकिन अंदाज़ा लगता है अब क्या सुन लो मैंने इसको अरेंज किया है इजी टू डिफ़िकल्ट लिखा है वहाँ पे इजी टू डिफ़िकल्ट सबसे आसान होता है डॉक्यूमेंट्स देखना अगर उसको गुड्स भेजे गए तो भेजने के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए भेजने के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए और गुड्स यूज़ हुए तो यूज़ करने के डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए मतलब सेल के अगर आप बोल रहे हो कि हमने एजेंट को माल भेजा था किसको माल भेजा एजेंट तो एजेंट को माल भेजा उसके डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए गुड्स आउटवर्ड बुक दिखने गुड्स गए हैं दिखना चाहिए एजेंट ने माल बेचा एजेंट ने माल बेचा उसके अकाउंट स्टेटमेंट में दिखना चाहिए सबसे आसान क्या होता है डॉक्यूमेंट्स फिर इससे और आसान होता है कंफर्मेशन सुनो बहुत बार हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते अरे यस नो बदले में हमारा स्टॉक उनको देते हैं एज अ प्लेज उसका एज अ प्लेज सुना है कभी आपने Liquidation chapter है अकाउंट्स में है कि नहीं है कभी हाँ चलो अकाउंट लॉ में सुना होगा प्लेज सुना है ना लॉ में चार्ज सुना होगा कभी प्लेज नो लिसन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते साहब तुमको मैं पचास करोड़ का लोन दूंगा अस्सी करोड़ का स्टॉक चाहिए बोले दे देंगे और बोलते लेकिन सेंसिटिव मामला है रिस्की मामला है स्टॉक हमको दो हम गोडाउन में हमारे गोडाउन में रखेंगे लेकिन मुझे बताओ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास खुद के गोडाउन होते होंगे क्या नहीं। होते होंगे क्या नहीं वो लोग क्या करते मैं आपको बताऊँ गोडाउन रेंट पे लेते गोडाउन रेंट पे लेते ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनका मेन धंधा ही है गोडाउन बना दिए अब रेंट पे कंपनियों को देना पता है आपको एक नंबर बिजनेस है जिसकी भी जमीन है हाईवे पे जिसकी ज़मीन हाईवे पे ऊपर हाईवे के ऊपर है अच्छे किसी लोकेशन पे है बस हाईवे टच आप गोडाउन बनाइए बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपका गोडाउन रेंट पे ले लेती है एक साल में एक डेढ़ साल में पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है और फिर आपको कंटिन्यूस इनकम मिलना शुरू हो जाती जमीन आपकी है मतलब ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है, उसका फ़ायदा आपको और रेगुलर आपको रेंटल इनकम मिल रही है सबसे बढ़िया बिजनेस है आपको और बड़ी कंपनियां जनरली कोई डिफॉल्ट करती नहीं है बैंक वाले क्या करते हैं बड़े बड़े कंपनियों का बड़े बड़े वेअर हाउस जो रहते वो रेंट पे लेते तो ये लोग बोल रहे कंफर्मेशन बैंक से मत लो कंफर्मेशन बैंक, बैंक, बैंक से मत लो कंफर्मेशन कहा से लो वेयर हाउस से पब्लिक वेयर हाउस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस सर पब्लिक वेयर हाउस मतलब जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है फॉर रेंटल पर्पज जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है फॉर रेंटल परपज सबसे आसान क्या लो डॉक्यूमेंट्स अरे सबसे आसान क्या लो डॉक्यूमेंट्स थोड़ी और मेहनत करनी है तो एक काम कर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मत ले कंफर्मेशन जो पब्लिक वेयर हाउस है जहां पे माल रखा हुआ है वहां का जो सिक्योरिटी होगा वहां का जो ओनर होगा उससे पूछ मेरे कंपनी का माल है क्या वहां पे? वहां से क्या ले अरे वहां से क्या ले एक्सटर्नल कंफर्मेशन ठीक है और तीन चीजें हैं हम लोग कल देखेंगे ठीक है होमवर्क किसने नहीं किया होगा कर दीजिए लोड मत लीजिए मैं जानता हूं अभी अकाउंट्स का क्लास भी आपका चल रहा है जितना हो रहा उतना करिए शांतिपूर्वक